नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? तो शाम के 10:15 बज चुके हैं। आज हमारी क्लास 15 मिनट थोड़ा डिले हो गई, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो की उसी के लिए। तो इन ब्रीफ आपको फटाफट से ब्रीफ कर दें, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए ज़रूरी है, हम सभी के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि 8 बजे आज शाम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जनता कर्फ्यू के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट की है। अब क्या है जनता कर्फ्यू? 22 मार्च संडे को सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग 7 AM to 9 AM आप सभी को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। ये सिर्फ एक हमारा एक पहला स्टेप है, एक पहला कदम है ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि हम कोरोना के लिए कितने अलर्ट हैं, हम कोरोना के लिए कितने सतर्क हैं, हम यहाँ पे अपना और दूसरों का, सभी का बचाव रखने के लिए। दोस्तों, पब्लिक गैदरिंग जहाँ भी होगी, जहाँ भी 4 लोग इकट्ठे होंगे उनके अंदर आपस में कॉन्टैक्ट होगा तो इस जो वायरस का जो फैलने का खतरा है, रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना है इन सिचुएशन को। और आप सभी को पता है अनअकैडमी के ऊपर 20,000 फ्री लाइव क्लासेस आप सभी की इस सिचुएशन के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान। हमें नहीं पता है दोस्तों कि कितने समय तक हमें ये प्रिकॉशन लेने होंगे। अभी इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवाई तो आई नहीं है कि हाँ कोरोना, अगर किसी को कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्ट हो गया है अगर, तो उसको ये मेडिसिन दो तो एकदम से ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने होंगे, पूरा अपना और दूसरों का ध्यान रखते हुए। SSC JEE का एग्जाम आप सभी को पता है, एक जो आपको चिंता सता रही थी कि इस सिचुएशन के दौरान एग्जाम कैसे होगा, तो ये पोस्टपोन हो चुका है। CHSL का एग्जाम भी आपका पोस्टपोन हो चुका है, आप सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल रही होगी। ठीक है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे देने जाएंगे या कैसे जाएं, किस सिचुएशन में जाएं। अगर दूर सिटी में जाएंगे, ज़रूरी थोड़ी है जहां आप रह रहे हैं वहीं पे एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी की ये जो चिंताएं थी वो खत्म हो गई हैं। और पॉजिटिव साइड्स अगर आप देखें तो आपको मिल गया है समय, आपको मिल गया है टाइम तैयारी करने के लिए। दूसरी बात कि आप अपने घर पर रह के अभी और बहाने तो चलेंगे नहीं कि दोस्त ने बुला लिया या कॉलेज जाना होता है, स्कूल जो आप कोई जॉब कर रहे हैं वहां जाना होता है। अभी आप प्रॉपर जो पूरा फोकस इस टाइम का जो आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो ये है कि 100% अपना फोकस करके आप दे सकते हैं अपनी इस पढ़ाई के ऊपर। और दोस्तों, आपको पता है कि YouTube के ऊपर अपनी शाम को 8 बजे नीरज सर की क्लास चलती है, 9 बजे इलेक्ट्रिकल बाय आशीष सर, और 10 बजे हम सब लोग पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग। अब जिस भी मेथड से पढ़ें दोस्तों, बहुत सारे चैलेंज आते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे लाइव स्टूडियो क्लासेस की, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडियो क्लास के लिए दोस्तों यहाँ पे स्टाफ चाहिए होता है। फिर वही बात आ जाती है, गैदरिंग होगी यहाँ पे, ऑफिस के अंदर स्टाफ आएगा तो स्टाफ यहां पे ऑलरेडी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास सर हैं, वो रहेंगे, गार्ड सर रहेंगे, फिर उसके बाद जो स्टूडियो के अंदर एडिटर होंगे वो होंगे। तो यहाँ फिर वही बात आ जाती है, पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो वो सारे रिस्क हम बढ़ जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एजुकेटर्स को भी यही कहा गया कि आप घर से पढ़ाएं, और आप सब लोग तो घर पे बैठ के आराम से पढ़ ही रहे हैं। तो जैसा भी मेथड हो, जिस भी तरीके से पढ़े हम दोस्तों, कहीं भी 1% कोई कमी नहीं आनी चाहिए हमारे पढ़ाने में और आपके पढ़ने में, आपकी लर्निंग जो है, आपकी तैयारी कहीं भी इफेक्ट ना हो। तो इसी के दोस्तों, कैसे करनी है तैयारी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बिना समय गवाए हमारे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो आज बात करने वाले हम स्टील स्ट्रक्चर्स की। स्टील स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, तो स्टील स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात यह बोल देता हूं कि अब टेंशन मत लीजिए, अब हमारे पास और समय बढ़ गया है, तो तैयारी हम एकदम परफेक्ट वाली करेंगे, एकदम अच्छे वाली करेंगे। एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, इसके लिए दोस्त मैं आपको पहले भी बताया ना मैंने कि एग्जाम के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि अभी तो हम इस सिचुएशन के बारे में श्योर नहीं है। ठीक है, हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें ऐसे भी लापरवाही भी नहीं बरतनी है। हम इस सिचुएशन के बारे में अभी श्योर ही नहीं है कि कब तक ये जो आउटब्रेक की स्थिति है ये बनी रहेगी, कब तक रिस्क जो है ज़्यादा रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का, या हम फ्रीली कहीं भी जा पाएं। तो जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना हो जाए, जब तक हमें ऐसा नहीं लगे कि आप फ्रीली जा सकते हैं, एकदम सेफ है कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में जाना, बाहर निकलना, तो तब तक आप जो है आप आराम से अपने घर के अंदर पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। दूसरी बात, 1 महीना तो आप मान ही लीजिए कि एक महीने तक चांसेस बहुत कम है कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए अभी हमें जब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट कर रही है, एडवाइज कर रही है कि आप बाहर मत जाइए, रिस्की है, मत जाइए, ठीक है, अपने घर के अंदर आराम से स्टे करें। तो
आप पब्लिक गैदरिंग की बात तो नेक्स्ट आती है कि उसके बाद एग्जाम होगा तो हजारों बच्चे इकट्ठे होंगे वहां पे, तो ये तो अभी के लिए तो पॉसिबल है नहीं। एक महीना तो आप मान ही लीजिए, और एक महीने के अंदर अगर सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है तब ये एग्जाम होगा एक महीने में तो। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि फिर भी सिचुएशन जो है, हालात जो है वो नाजुक अगर रहते हैं, तो हो सकता है एक दो महीने भी लग जाए, दो महीने तक भी ये टाइम पीरियड जा सकता है आपका एग्जाम होने का। तो मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा, या अब परेशानी हमारी ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा। अब सिर्फ बात इतनी है कि हमें जो है अलर्ट रहना है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे परिवार की हेल्थ के लिए, हमारे दोस्तों की हेल्थ के लिए, और पूरा जो हमारा कंट्री है पूरे देश की हेल्थ के लिए, और इवन पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि ये अभी किसी कंट्री की या किसी पर्टिकुलर एक लोकेलिटी की प्रॉब्लम तो है नहीं, अभी ये ग्लोबल लेवल के ऊपर है। तो हमें इस वक्त जो पूरा वर्ल्ड जो है उसको सपोर्ट करना है एक दूसरे के साथ मिलके। तो कोशिश करें जितना हो सके आप बाहर ना जाएं, ठीक है। हाँ, अनअकैडमी पे फ्री के टेक्निकल क्लासेस जो हैं दोस्तों और चल रही हैं, ठीक है। अभी मेरे लिए स्पेशल क्लासेस मैंने ऑलरेडी प्लान कर दी हैं, वो लाइव हो जाएंगे जैसे ही, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इस टाइम पे यहाँ यहाँ ऐसे आप क्लास जो है फ्री वाली क्लास भी अनअकैडमी के ऊपर कैसे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और तब तक यूट्यूब जो है आप सभी के लिए दोस्तों, ये भी अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ही है आफ्टर ऑल, और यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जिस मोड में आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। एग्जाम प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे लीनियंट नहीं होना है कि पढ़ाई नहीं करनी है। अभी आप ऐसे हो सकते हैं कि पहले जो एक अभी थोड़े दिन में आपको स्ट्रेस था ना कि फटाफट मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, और एक बात तो आपको रियलाइज हो गई होगी, अब तक एक बात तो आपको रियलाइज हो गई होगी, और वो ये होगी कि आपने दिन कैलकुलेट करने शुरू कर दिए होंगे। कुछ बच्चों ने तो एटलीस्ट कर ही दिए होंगे कि अब मेरे पास 10 दिन बचे हैं, इतने सब्जेक्ट बचे हैं, कैसे पढ़ूंगा मैं। अगर मेरे पास 10 के बजाय 20 दिन होते तो मैं ऐसे कर लेता और चीजों को अच्छे से पढ़ लेता। तो वो जो आपकी मन की बात है वो यहां पे पॉजिटिवली आप इसको ले सकते हैं कि हाँ अब मुझे एटलीस्ट टाइम मिल गया उन सब्जेक्ट्स के लिए जो मैंने छोड़ रखे थे, या मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं अच्छे से इनको कवर कर लेता। कंटेंट की कोई कमी नहीं है दोस्तों, आपके पास यूट्यूब पे भी सारा है, अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ते हैं तो वहां भी सारा है, अगर आप लाइव क्लासेस जो फ्री वाली अनअकैडमी के ऊपर है वो भी आप लेंगे, वो भी ऑब्वियसली आपकी जो प्रिपरेशन है तो उसमें और चार चांद लगाएगी। तो कैसे भी आप पढ़िए, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस ये है कि रुकना नहीं है इस समय के अंदर, ठीक है। कहीं भी आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। शुरू करते हैं। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड। घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेड, ठीक है। लेकिन चीजों को कैजुअली लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना कैजुअल भी नहीं होना है कि हाँ हमें थोड़ी ना होगा, हम बाहर निकल जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा एक आदमी के बाहर निकलने से, या मैं तो इफेक्टेड हूं ही नहीं, मैं तो दूर दूर डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल लूंगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, एक जो आप ये कहेंगे कि सिस्टम प्रॉपरली पूरा मैनेज नहीं हो सकता है, इससे प्रॉपर पूरा डिसिप्लिन जो है वो खराब हो जाता है सभी के लिए। अगर हम सब कोई रूल फॉलो करते हैं, अगर हम कोई लॉ फॉलो करते हैं, अब ये कोई लॉ तो है नहीं, ये सभी के लिए एक रिक्वेस्ट ही है कि हम सभी को सपोर्ट करना है इस आउटब्रेक को रोकने के लिए, ठीक है। तो वो आप सभी को कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे सिंपल स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला सवाल बनता है, स्टील आप सभी को पता है आयरन, कार्बन और बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलकर बनेगा। तो स्टील के अंदर सबसे पहला सवाल आ जाता है, कार्बन जो है एक मेजर इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं आयरन के बाद। तो उसकी परसेंटेज पे सवाल आता है कि किस टाइप के स्टील के अंदर जो कार्बन का कंटेंट है वो कितना है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्योर आयरन ने कास्ट आयरन से कहा कि कार्बन स्टील का हाई मीडियम लो क्यों हो रहा है, तो रॉट आयरन ने कहा प्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सीक्वेंस को, बाकी आपका अपना कोई मेथड है तो उस तरीके से आप याद रख लीजिए। मेनली आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सबसे कम कार्बन कंटेंट किसमें होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये आप याद रख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कैसे एक्सेस करें, अभी क्लासेस लाइव नहीं हुई है, जब लाइव हो जाएंगी उसका स्केड्यूल बनाया है अभी, ठीक है। तो वो अप्रूव होता है फिर उसके बाद क्लास लाइव होती है, जैसे ही क्लास लाइव हो जाएगी तो मैं टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर कर दूंगा आपको, वहां भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे भी मैं प्रॉपर वीडियो के साथ बता दूंगा ये वाली क्लासेस आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं जो फ्री वाली है। फिलहाल तब तक एकदम मजे से आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है। टेंशन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि लापरवाह हो जाना है आपको, आपको इन चीजों को दिमाग पे नहीं लेना है कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है। हर चीज को एकदम ठंडे दिमाग से, काम होके, शांत होके हर सिचुएशन से डील करना है आपको कि क्या चल रहा है, बाहर जाना सेफ है नहीं है। हर चीज को स्टॉक मत करने लग जाइएगा कि हाँ सब कुछ, हाँ राशन स्टोर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐसा अगर सब लोग करने लग जाएंगे ना तो अननेसेसरी हर पर्सन के लिए अनरेस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी, हर कोई परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि एकदम से राशन पानी दूध सभी चीजों की कमी होने वाली है कि हाँ स्टॉक करने लग जाओ,
ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो श्योर है कि आप सभी जब तक सतर्क नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, प्रॉपर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अपना प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप लाइटली मत लीजिए, अपनी पढ़ाई जो है वो टेंशन फ्री होकर करें। चलिए, इसके अलावा कुछ और बातें दोस्तों जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो बनता है स्टील जो है वो क्या है, आयरन और कार्बन का एलॉय है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट अगर माइल्ड स्टील में बात करें तो 0.23% के आसपास होता है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्रोमियम होता है, निकेल होता है। अगर हम बात करें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील की तो 2×10^5 MPa होता है। एल्यूमिनियम और स्टील हमेशा कंपेरेबल रहते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इनका यूनिट वेट जो है, इनकी डेंसिटीज जो है, ये आपसे पूछी जाती हैं या इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो अगर हम बात करें यंग्स मॉड्यूलस की, जो एल्यूमिनियम का है वो 1/3 होता है स्टील का, और आप इसको डायरेक्टली अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं तो आपको स्टील का जो है वो तो यंग्स मॉड्यूलस आपको याद रहता ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ स्टील की, डेंसिटी ऑफ स्टील आप सभी को पता है 7850 kg/m³ होती है, और इसका 1/3 आप कर लीजिए तो लगभग 2700 kg/m³ आपको डेंसिटी मिलती है एल्यूमिनियम की। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो 0.769×10^5 MPa होता है। पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अलग अलग कंडीशन के अंदर अगर आपसे पूछता है इलास्टिक रेंज के अंदर तो 0.3 होता है, अगर प्लास्टिक रेंज यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन जब आ जाता है स्टील के अंदर तब अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कितना होता है, 0.5 होता है, ठीक है। चलिए, आप बैठो, चाहे रेस्ट करो थोड़ा आराम से। चलिए आगे बढ़े, फिर आता है इसी से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज जो है वो बता सकते हैं कि इंक्रीज जो है एल्यूमिनियम के अंदर और स्टील के अंदर कितना आता है। आप सभी को पता है हुक्स लॉ से डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए आप यूज कर सकते हैं, तो जितना डिफ्लेक्शन इंक्रीज या फिर चेंज इन डायमेंशन जो आता है वो आप पता कर सकते हैं। स्लो बताना है, देखिए अभी ना हम रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ वो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, आराम से चलते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के बारे में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स बोल रहा हूँ बस जो आपको नोट डाउन करने हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अभी या बाद में बनाएंगे तो इनको बस मार्क कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त पता है क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका हो सकता है ये पढ़ने का, और अच्छा ठीक है जब हमें कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तब, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप कंसोलिडेटेड PDF जो होती है उसको आप डाउनलोड करें, उसको आप प्रिंट कर लीजिए, उसको आप प्रिंट करेंगे तो उसको A4 साइज़ में आप प्रिंट किया करें, ठीक है। जैसे इस तरीके से कुछ आपके पास ये शीट होती है, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इतने में स्लाइड आ जाएगी, ऊपर और नीचे ब्लैंक पेज रहेगा, यहां भी ब्लैंक रहेगा, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो मेन कंटेंट होगा वो तो यहां पे रहेगा आपके पास, ठीक है। ऊपर और नीचे कुछ भी एडिशनल चीजें या फिर आपको अपनी भाषा में कोई चीज लिखनी है, कुछ एडिशनल चीज लिखनी है या कोई क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है उसका आपको सॉल्यूशन लिखना है अपनी भाषा के अंदर, तो वो आप लिख सकते हैं, उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो थोड़ा समय आपका बच जाएगा एग्जाम टाइम में। ये कब काम कब करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम में, लेकिन अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो पूरे पूरे नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से। अब एग्जाम टाइम में अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि आप प्रिंट ले लीजिए और A4 साइज पे लीजिए, ऊपर नीचे खाली स्पेस होगा, उसके अंदर आप चीजें जो है वो लिख सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अपनी कुछ और एडिशन अगर आपको करना हो तो वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील की मैं बात करूं तो यूनिट मास ऑफ स्टील 7850 kg/m³, आप सभी को पता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2×10^5 MPa या N/mm² होता है। पॉइजन रेशियो इलास्टिक रेंज के अंदर 0.3 होती है। अगर हम बात करें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की तो 0.7×10^5 MPa होता है। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12×10^-6 होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस आ गया क्या? सिलेबस तो बहुत पहले आ गया दोस्त, सिलेबस तो पता ही है क्या है, अब तो ये एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है,
ठीक है, तो आप ऐसे इन चीज़ों को ना देखो, हर चीज़ में ना हमें पॉजिटिव देखना होता है अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड देखने के लिए। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन हुई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है कोरोना की वजह से, तो इस चीज़ में आप अपना पॉजिटिव पॉइंट देख लीजिए बस, ताकि आपको कहीं भी निराशा ना हो। पॉजिटिव पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि जिस जुनून के साथ, जिस मेहनत के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, उसमें आपको और समय मिल गया, आप अपनी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जिनको ये लगता था कि हाँ मेरे में पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन अभी समय नहीं बचा है पढ़ने के लिए, तो उनको भी अभी समय मिल गया है, तो आप अपने पोटेंशियल का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे मुझे आपके पोटेंशियल पे कतई कभी कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है आप सब स्कॉलर्स हैं। तो स्टील जो है वो किसका अलॉय होता है? आयरन और कार्बन का होता है। इतना बेसिक सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, वरना आप बोल दोगे कि ये तो हमारी काबिलियत पे शक है कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टील? स्टील का डिसएडवांटेज क्या होता है? कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम होता है इसका, फायर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अगर बात करें इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील, तो फिर से बच्चों वाला सवाल, आप में से कुछ दोस्तों इसे दिल पे ले जाएंगे, ऐसे सवाल थोड़ी जवाब देंगे हम। 2×10^5 MPa। आगे बढ़े, वीडियो देखते देखते नोट्स बनाना अच्छा है या बाद में अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। अगर आप साथ साथ बना सकते हैं साथ साथ बना लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि बाद में आराम से बनाऊंगा, फिलहाल समझ लेता हूं चीज़ों को, वो कर लीजिए। बेटर ये होगा, समझना फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, नोट करना बाद में। तो नोट तो आप बाद में भी कर सकते हैं चीज़ों को, फिलहाल समझ लीजिए जो चीज़ें चल रही हैं। यूनिट मास ऑफ स्टील की अगर मैं बात करूं, तो ये भी 7850 kg/m³, आप सभी को पता है। पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील की अगर बात करें, तो इलास्टिक रेंज में 0.3, प्लास्टिक रेंज में 0.5 होता है। स्ट्रक्चरल स्टील नॉर्मली हैज कार्बन कंटेंट लेस देन, स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो कितना होता है? चलें, सर इतनी बड़ी प्रिंट कैसे कराएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं समझता हूं, इतने पैसे क्यों वेस्ट करने, यही तो मैं आपको कहता हूं, इतने पैसे क्यों वेस्ट करने आपको। इसीलिए चीजों को हाथ से लिख सकते हैं आप, और शॉर्ट नोट्स जो है वो बना सकते हैं। पूरी PDF देखिए, क्लास देखिए, दो चीज़ आपको यूज़ करनी होगी फिर, या तो आप या ये कर सकते हैं कि पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, वीडियो में आपको PDF ही दिख जाएगी, तो वीडियो को देख के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर आप PDF उठा के उसमें से जो आपको लगता है, वैसे भी PDF ऑलरेडी इतनी कंसाइज होती है, उसमें से आप टू द पॉइंट चीज़ें जो आपको लगता है कि मुझे याद है ये कहानियां हैं, तो उनको आप स्किप कर दीजिए पढ़ के, और पढ़ के स्किप कर दीजिए, मतलब लिखिए मत, लेकिन पढ़ना है वैसे, स्किप मत करना PDF में से। और इसके अलावा जो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं उनको आप नोट करो। 0.6 होता है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मैंगनीज इज एडेड टू स्टील? अगर मैंगनीज को ऐड कर देंगे तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ स्टील को ये इंप्रूव कर देता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील? हाई कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा उतनी ही डक्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, सिंपल सा लॉजिक, तो रिड्यूस्ड डक्टिलिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एंड निकल एडेड टू स्टेनलेस स्टील? क्रोमियम और निकल का परसेंटेज जो है वो कितना होना चाहिए? तो ये लगभग होता है 10.5% और 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस इन स्टील? सल्फर और फॉस्फोरस जो है वो आपकी वेल्डेबिलिटी जो होती है उसको अफेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग? कौन सा इनमें से करेक्ट क्राइटेरिया है? करेक्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहली आती है सेफ्टी, जैसे अगर हम बात करें अभी सिचुएशन की, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है? आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, जो भी चीज़ें हैं सब बाद में आती हैं। सबसे पहला ये होता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम हेल्दी रह सकें, ठीक है? हेल्दी एंड पीसफुल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप हेल्दी हैं लेकिन एनवायरनमेंट ही पीसफुल नहीं है, हर जगह हाहाकार मची हुई है, तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है? कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में है। तो यहां भी क्या बात आती है, सबसे पहले आएगी सेफ्टी, स्ट्रक्चर शुड बी एडिकेटली सेफ, शुड हैव एडिकेट सर्विसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्विसेबिलिटी? सर्विसेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो जितना उस पर लोड आए उसके अंदर वो प्रॉपरली सेफ रहे, अच्छे से वो पूरे लोड को कैरी कर पाए, यानी कि दैट शुड परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री अंडर डिफरेंट लोड्स, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आना चाहिए किसी तरीके से, कोई डिफ्लेक्शन, क्रैक्स कुछ भी नहीं आने चाहिए, ये सर्विसिबिलिटी हो जाती है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो भी आप एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एटसेट्रा ये आप पता करते हैं, ये सारा चलिए। नेक्स्ट,
Which method is mainly adopted for design of steel structure as per IS code? कौन सा method adopt करते हैं आजकल जो है limit state method पढ़ते हैं. Next, which IS code is used for general construction of steel? IS 800, बच्चे को पता है. Next, which of the following relation is correct? इनमें से कौन सा relation correct है? देखिए दोस्तों, अगर कोई साउंड नहीं आए या कुछ भी इशू हो तो आप प्लीज़ बता देना. एक्चुअली क्या होता है, मैं ज़्यादातर उस टाइम जब वो वीडियो चल रही थी तो ये सामने और लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था, फ़ोन रखा हुआ था, फ़ोन में दिख नहीं रहा था क्लियरली कि आपके कमेंट्स क्या आ रहे हैं, तो वो चल रहा था. और हो जाता है, कोई सपोर्ट स्टाफ अगर नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे हैं. आप ये देखो, मतलब हर कोई कितना सपोर्टिव हो सकता है. पूरे ऑफिस के अंदर अभी दो ही लोग हैं, एक गार्ड सर बैठे हैं, एक मैं हूँ, ठीक है. तो उन्होंने भी वो आके यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही. उनसे जितना हो पाया उन्होंने सपोर्ट किया, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ दोस्त, और आप लोग तो सबसे ज्यादा कर ही रहे हो. चलिए, परमिसिबल स्ट्रेस किसके बराबर होता है? यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. नेक्स्ट, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितना भी स्ट्रेस आ रहा है, जितना भी वर्किंग स्ट्रेस है, जितना भी सर्विसिबिलिटी के लोड कंडीशन के अंदर उस पर स्ट्रेस आ रहा है, वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए जितना हमने उसको परमिट कर रखा है, परमिसिबल जो स्ट्रेस है उससे. सो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? वर्किंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस. नेक्स्ट, व्हाट इज लोड फैक्टर? लोड फैक्टर क्या होता है? जो आपका वर्किंग लोड होता है, वर्किंग लोड को हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमें अल्टीमेट लोड मिल जाता है. मतलब क्या कि जितना लोड किसी बिल्डिंग के ऊपर आने वाला है हम उससे ज़्यादा एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं उसको. आगे चलते हैं. अब सवाल आते हैं आपके IS कोड से रिलेटेड, और क्या क्या सवाल आते हैं, वो आते हैं इन कोडल प्रोविजन से रिलेटेड, जो कि पिछले साल भी पूछे गए थे, इस साल भी चांसेस हैं किसी ना किसी एक आपका, चाहे किसी शिफ्ट में आ जाए, किसी एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो बनने के चांस रहते ही रहते हैं. चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डेड लोड से रिलेटेड, आपसे पूछा जाए कि कौन सा IS कोड हम यूज करते हैं डेड लोड्स के लिए. सो डेड लोड्स शुड बी अज्यूम्ड इन द डिजाइन स्पेसिफाइड एज इन IS 875 Part 1. सबसे पहले आया पार्ट वन और डेड लोड, ठीक है. जो भी हमारे स्ट्रक्चरल लोड होते हैं, कोई बीम कॉलम, इनके जो लोड हैं वो किस में आते हैं? डेड लोड के अंदर आते हैं. तो डेड लोड को किस में पढ़ेंगे हम? IS 875 Part 1 के अंदर. इम्पोज्ड लोड की अगर हम बात करें, इम्पोज्ड लोड जो है वो कहाँ आएंगे? IS 875 Part 2. अब आपको शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स में ये लिखना है डेड लोड्स, उसके सामने लिख लीजिए IS 875 Part 1, इम्पोज लोड IS 875 Part 2. अब वहां पे शॉर्ट नोट्स में ये कहानियां नहीं लिखनी है पूरी, ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्नो लोड जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर? IS 875 Part 4 के अंदर पढ़ते हैं. विंड लोड्स किस में पढ़ते हैं? Part 3 के अंदर पढ़ते हैं. तो आप ये आप यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं. अर्थक्वेक लोड्स की बात करें तो IS 1893 Part 1 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं इसको, तो चार आपको याद करने हैं. IS 875 Part 1, 2, 3, 4. 1 के अंदर डेड लोड, 2 के अंदर उसके बाद क्या आएगा? लाइव लोड या इम्पोज लोड जो है वो आ जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं IS 875 Part 2. पार्ट 3 में क्या हो जाएगा? विंड आ गई, हवा आ गई वहां पे, और उसके बाद क्या आ गया? स्नो आ गया. तो आप सीक्वेंस वाइज भी आप रिलेट कर सकते हैं. सबसे पहले बना डेड लोड, फिर इम्पोज किया उस पर, इम्पोज लोड आ जाएगा, फिर अगर विंड की वजह से लोड आया वो विंड लोड आ जाएगा, फिर उसके बाद स्नो जो है वो आ जाएगा. तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको सेम लाइन में आप इनको लिख लेना तो आपको याद हो जाएगा. एक बचा अर्थक्वेक वाला, वो 1893 Part 1 के अंदर आता है. फिर इसके अलावा ये कुछ जेनरिक से कोड्स हैं, RCC में भी हम बात करते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में भी हम इसको बात कर चुके हैं. 456 जो है RCC के अंदर यूज होता है, IS 800 स्टील के अंदर, जिसमें से 2007 लिमिट स्टेट मेथड, और 1984 के अंदर जो है वो आपको बताता है वर्किंग स्ट्रेस. चलें आगे. नेक्स्ट, फिर उसके बाद स्टील सेक्शन के लिए आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है. टॉप मोस्ट पार्ट है, कंप्रेशन फ्लेंज होता है, फिर वेब होता है, फिर टेंशन फ्लेंज होता है.
तो ऊपर नीचे फ्लेंज बीच में होता है वेब। इसके बाद हम बात करें अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस की, तो बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर आते हैं। यानी कि अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करवाना है तो ये जो पोर्शन है टॉप वाला बॉटम वाला, इनका जो एरिया है यहाँ पे स्टील की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर हम बात करें शीयर स्ट्रेस की, तो शीयर स्ट्रेस जो है वो कहाँ पे ज्यादा आता है, शीयर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विड्थ ऑफ द सेक्शन के, किसके, विड्थ ऑफ द सेक्शन के। तो अगर हम बात करें दोस्तों, आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका शियर स्ट्रेस जो आता है, यानी कि जहां जितने कम विड्थ वहां पे शियर स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जो वेब है वो शियर के अंदर अच्छा होता है और जो फ्लेंज होता है वो बेंडिंग के अंदर अच्छा होता है। तो जहां पे हमारा आई सेक्शन हम क्यों प्रेफर करते हैं, आई सेक्शन हम इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जहां पे हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग हम उतना वहां पे क्या करें, स्टील प्रोवाइड कर दें। या ये कह सकते हैं कि जितना सेंटर से दूर ये एरिया होगा उतना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाएगा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ स्टील। ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील अगर हम लेते हैं और उससे हम एक स्क्वायर सेक्शन बनाते हैं और उसी अमाउंट ऑफ स्टील से हम एक आई सेक्शन बनाएंगे, आई सेक्शन जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा हमारे लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, इन स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज, वेब क्या कैरी करता है, आप सभी को पता है वेब कैरीज शियर और फ्लेंज क्या कैरी करता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस को कैरी करता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम्स बिकॉज दे प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आप एक सेम अमाउंट ऑफ आप स्क्वायर सेक्शन ले लीजिए और इतने ही एरिया का या इतने ही अमाउंट ऑफ स्टील का आप क्या बना दीजिए, एक आई सेक्शन बना दीजिए, तो आई सेक्शन के अंदर क्या होगा, जितना न्यूट्रल एक्सिस से एरियाज दूर है, तो आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, जितना ज्यादा एरिया जितने दूर होगा उतना बढ़ता जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है सेम अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील के लिए और साथ ही साथ सेक्शन मॉडुलस ज्यादा बढ़ता है तो स्टेबिलिटी उसको ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सेफ ज्यादा होगा, इकोनॉमिकल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों यहां पे आपके सही बातें हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद बात करें, द मेन बीम इज अ बीम विच सपोर्ट्स, क्या क्या सपोर्ट करता है, यहां पर आपसे पूछा जाएगा अगर फ्लोर के बारे में, क्या बोलते हैं उसको, मेन बीम आएगी, फिर उसके बाद आएगी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो मेन बीम इज अ बीम विच सपोर्ट, किसको सपोर्ट करती है, वो सेकेंडरी बीम्स को सपोर्ट करती है। सो प्राइमरी आएगा पहले, फिर उसके बाद सेकेंडरी। तो मेन बीम और किसको सपोर्ट कर रही है यहां पे, सेकेंडरी वाली को। नेक्स्ट, अ मेजर बीम इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, सबसे बड़ी जो बीम्स होती है उनको कह सकते हैं हम गर्डर। तो ऑल गर्डर्स आर बीम्स बट ऑल बीम्स आर नॉट गर्डर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस फॉर रोल्ड स्टील बीम्स एंड चैनल्स इज, कितना अलाउ करते हैं, 2 to 8.5 MPa हम अलाउ करते हैं मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस फॉर रोल्ड स्टील बीम्स एंड चैनल्स। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो आपको ये जो टेबल है याद करना ही करना है, चाहे आप बात करें एक्सियल टेंशन की, आपको मैंने पहले भी बताया था ए फॉर एप्पल ए फॉर एक्सियल, हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग में ए फॉर एक्सियल। तो चाहे एक्सियल टेंशन है चाहे एक्सियल कंप्रेशन है, 0.6 FY यील्ड स्ट्रेस का 60%, 0.60 FY। फिर ए फॉर एप्पल आता है पहले, 0.6 पहले आता है, फिर उसके बाद आता है 0.66 और आता है बी फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो चाहे वो किसके अंदर है, टेंशन में है चाहे कंप्रेशन के अंदर है, तो दोनों ही केस में 66% ऑफ यील्ड स्ट्रेस 0.66 FY के बराबर रहता है। मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग के अंदर चाहे आपसे स्ट्रेस पूछा जाए या फिर बेंडिंग स्ट्रेस पूछा जाए, बियरिंग की बात करें तो कॉलम बेस के अंदर या मैक्सिमम इस केस में आपसे बियरिंग स्ट्रेसेस पे पूछे तो वो कितना आएगा कॉलम्स के केस में, 0.75 FY, 75% ऑफ यील्ड स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस अगर आपसे पूछता है, एवरेज शियर स्ट्रेस, तो ये तो होता है 0.40 FY, और अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता है तो वो होता है 45%। याद ही है ये सब तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं आप सब रिवाइज कर रहे हैं, आप सब स्कॉलर्स हैं, आपको सब आता है सब, यही तो अच्छी बात है।
चलिए आगे बढ़े, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेम चीजें, जहां पे हम चाहे तो उसको इस टेबल को आप इस फॉर्म में याद कर लीजिए, चाहे आप इस फॉर्म में याद कर लीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद आपके पास जो डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इन कहानियों की जरूरत नहीं है। अगर वो टेबल आपने याद कर ली तो इन कहानियों की शॉर्ट नोट्स में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बस एक एक बार पढ़ लेना है आपको जब शॉर्ट नोट्स आप लिखने बैठे। नेक्स्ट, परमिसिबल डिफ्लेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको परमिसिबल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है स्पान बाय 325 होना चाहिए। यहां ये जो डिफ्लेक्शन बताया गया है किसके लिए बताया गया है, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए बताया गया है। एज पर लिमिट स्टेट मेथड मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय, अगर लिमिट स्टेट की बात करें हम तो स्पान बाय 300 जब क्रैकिंग आने की आशंका नहीं है, अगर क्रैकिंग आ सकती है सपोर्टेड एलिमेंट्स पे तो स्पान बाय 360। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, यहां पे किसका क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर्स का। ओके, चले अगर आपको आवाज की दिक्कत आए तो आप प्लीज इमीडिएटली बता देना, अगर कोई भी साउंड इश्यू आता है आपको तो। चलिए तो ये कितना आएगा, 1/325 अभी अभी पढ़ा हमने। लार्ज डिफ्लेक्शन इन बीम, लार्ज डिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया तो उसके कारण क्या हो सकता है, क्रैकिंग आ सकती है सीलिंग के अंदर। इंडिकेट द लैक ऑफ रिजिडिटी, मे कॉज डिस्टॉर्शन इन द कनेक्शन, कनेक्शन टूट सकते हैं या उनमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन इन बीम मे बी इंक्रीज्ड मे बी डिक्रीज्ड बाय, डिफ्लेक्शन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, अगर आप डेप्थ ऑफ द बीम को इंक्रीज कर लें। नेक्स्ट, परमिसिबल स्ट्रेस गैंट्री गर्डर की अगर हम बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड अगर क्रेन है तो स्पान बाय 500, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और अप टू 50 टन है तो स्पान बाय 750, और अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और ग्रेटर देन 50 टन कैपेसिटी की है तो स्पान बाय 1000। आगे चले, चलिए इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप सभी को पता है क्या क्या, पिच क्या होती है, दो रिवेट्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है ये पिच हो जाएगा। एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिवेट एंड एज और एंड ऑफ द प्लेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लास्ट वाले रिवेट से लेके इसके एज या एंड का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ फोर्स की डायरेक्शन में, ये क्या कहलाएगा, एंड डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस क्या होता है, दो रिवेट्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, फिर आ जाता है एज डिस्टेंस, आपका एज डिस्टेंस हो जाएगा किसी भी रिवेट के आउटर रिवेट के एज से जो डिस्टेंस है, सेंटर से, सेंटर ऑफ द रिवेट से लेके एज तक का जो डिस्टेंस है मेजर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको मेजर करना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ग्रॉस डाया से रिलेटेड पूछा जाता है कि आपको नॉमिनल डाया या डाया ऑफ शैंक आपको दिया होगा। नॉमिनल डाया आपको बता रखा होगा, थोड़ी आवाज आ रही है, ओके। चलिए अभी ठीक है, अभी बेटर होगा। एक्चुअली क्या है, यहां पे ना फ्यूमिगेशन कर रखा है पूरे स्टूडियो में और इसमें कोई विंडो वगैरह होती नहीं है, सब तरफ इंसुलेशन होता है तो जो भी गैसेस है वो अंदर ही रहती है, यहाँ पे जो फ्यूमिगेशन किया उसके बाद भी है तो मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर एसी नहीं चलता है तो। ऑल क्लियर नाउ, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए द ग्रॉस डाया ऑफ 14 ग्रॉस डाया 14 mm नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इज, जो रिवेट होती है दोस्तों एक होता है उसका हेड, एक होता है उसका शैंक, एक होता है हेड, एक होता है
शेंक। तो इस शेंक का जो डायमीटर होता है वो हमें क्या दिया होता है, नॉमिनल डाया, और जिस होल के अंदर हमें इसको फिट करवाना होता है वो डाया ऑफ होल या फिर ग्रॉस डाया कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो शेंक है इसका डायमीटर दे रखा होगा और आपसे ये पूछेगा कि इसका जो होल होगा उसका डायमीटर कितना होगा जहां पे हम रिवेट को फिट करने वाले हैं। तो अगर आपकी जो रिवेट है उसका साइज, नॉमिनल डाया का साइज अगर लेस देन इक्वल टू 25 mm है, अगर लेस देन इक्वल टू 25 mm है, तो इस केस में क्या होगा, आपको कितना mm ऐड करना है, आपको कितना mm ऐड करना है, 1.5 mm। और अगर ग्रेटर देन 25 mm है तो उस केस में आपको कितना ऐड करना है, 2 mm ऐड करना है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 14 mm, तो आप क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए 1.5। तो 1.5 mm ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15.5 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड रिवेट्स एज कंपेयर टू शॉप रिवेट्स इज, फील्ड रिवेट्स की स्ट्रेंथ जो है शॉप्स के कंपैरिजन में कितनी होती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, शॉप रिवेट है जो कि आपकी फैक्ट्री के अंदर जो बनेगी वो क्या होगा, उस पर स्ट्रेंथ जो है फील्ड के, फील्ड वाली रिवेट जो है उसकी कम ही होगी ऑब्वियसली। तो कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितनी होती है, 90% होती है। चले नेक्स्ट, अरे ऐसा भी कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में चला लेंगे अपने, थोड़ी सी देर ऑक्सीजन, अब यहाँ और कोई तो है नहीं, सिर्फ मुझे ही यूज करनी है यहाँ की ऑक्सीजन, थोड़ी थोड़ी देर में अपने चला लेंगे, नो इशू। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन, रिवेट्स की जो पिच है, मिनिमम पिच क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोड वो कितना होना चाहिए। तो वो आपका 2.5 होता है, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट, किसका, नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट। मैक्सिमम पिच की अगर बात करते तो 12T और 200 किस केस में, कंप्रेशन में, और अगर टेंशन में बात करें तो मैक्सिमम पिच 16T और 200 mm, जहां पे टी जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वॉट शुड बी मल्टीप्लाइड विद परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। बियरिंग के अंदर आपको मैंने पहले ही बताया था, देखो ये रिवेट है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेट्स को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अगर मैं खींच रहा हूं तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, बियरिंग स्ट्रेस लग रहा है, क्या लग रहा है इसके ऊपर, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस एक टाइप का क्या होता है, एक तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे इन दोनों सर्फेसिस के ऊपर लग रहा है, तो जितना इसकी स्ट्रेंथ है उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास आ जाएगा कि कितना फोर्स बियरिंग के अंदर वो जो रिवेट है वो ले सकती है। तो आपको पता है टॉर्च मारने वाला मेथड बताया था, तो ये जो आपको एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया दिखाई देगा जो कि एक रेक्टेंगल है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे डी जो आपका डायमीटर इनटू टी थिकनेस, प्रोजेक्टेड एरिया। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, क्या क्या अजम्पशन होते हैं, तो एक बार इनको रीड कर लीजिए, लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट्स, बिल्कुल सही, शियर स्ट्रेस ऑन अ रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रॉस एरिया, बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेस ऑफ द प्लेट एंड रिवेट। तो सारे ये अजम्पशन बस रिवाइज करने के लिए थे। नेक्स्ट, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग वन रिवेट लाइन, अगर सारी रिवेट्स जो है वो अगर प्रॉपर एक आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक लाइन्स में कुछ रिवेट है, दूसरे लाइन में कुछ रिवेट है, तो एक आप ये कह सकते हैं ग्रिड नहीं बन रही है प्रॉपर, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर अगर आपको रिवेट्स नहीं दिखाई दे रही है, तो इस केस के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग वन रिवेट लाइन, एक रिवेट लाइन के सेंटर से लेके दूसरे रिवेट लाइन का जो सेंटर है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टेगर्ड पिच कहते हैं। आप सभी को पता है एक रिवेट लाइन दूसरी रिवेट लाइन इन दोनों रिवेट लाइन के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है इसको स्टेगर्ड पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेगर्ड पिच। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद दोस्तों बियरिंग स्ट्रेस क्या होते हैं, शीयरिंग स्ट्रेस क्या होते हैं। बियरिंग स्ट्रेस जो होते हैं आपको बताया एक तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, इसके ऊपर इस सरफेस पे लगेगा, इधर से इस सरफेस के ऊपर लगेगा। आपको अगर बेयरिंग स्ट्रेस फील करना है, एक प्लेट ये ले लीजिए, बीच में पेन को लगाइए, दूसरे को इधर लगाइए, दोनों को ऐसे खींच के देखिए या दोनों को ऐसे कंप्रेस करके देखिए, तो आपके हाथ पे यहाँ पे और इस पेन के इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहे हैं, एक तरीके से रिलेटिवली कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। ये क्या हो जाता है, बेयरिंग स्ट्रेस हो जाता है। ये रिवेट के ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो सर्कुलर होता है वो कैसा हो जाता है, इलिप्टिकल हो जाता है, और इस एरिया के ऊपर ये इंपैक्ट डालने वाला है।
जो प्रोजेक्टेड एरिया आपको दिखाई देता है। शियर के अंदर क्या होगा, एक तरीके से ये रिवेट कट ही जाती है, क्या हो जाता है, एक तरीके से कट ही जाती है। द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम बेस इज कंसिडर्ड एज। यहाँ पे दोस्त इस क्वेश्चन के अंदर छोटा सा करेक्शन है, बेंडिंग की जगह आप इसको लगा लीजिए, इसको आप लिख लीजिए बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस बता दीजिए कितना कंसीडर करते हैं हम, पॉइंट सेवन एफ वाई, बिल्कुल करेक्ट। आई नो यू पीपल आर स्कॉलर्स। नेक्स्ट, व्हेन द लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग स्ट्रेस इज, कुल मिला के किसी भी बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आउटमोस्ट जो फाइबर होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का होता है, यहाँ पे टेंसाइल नेचर का होता है। तो टॉप पे तो क्या होगा, जहाँ पे लोड लग रहा है, जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट दिस इफेक्टिव फाइबर। और अगर हम बात करें कंप्रेसिव का होगा न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, कंप्रेसिव नीचे टेंसाइल, तो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फिर लैप जॉइंट क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी और इन दोनों के एक रिवेट से ज्वाइन कर दिया, तो कितने शेयरिंग प्लेन बन रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एक जगह से ही कटेगी एक रिवेट, तो क्या हो रहा है, कितने शेयरिंग प्लेन बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। फिर लैप जॉइंट के ऊपर जो सवाल बनता है वो क्या बनता है, जो हाईलाइटेड लाइन है एक बार आप इसको रीड करिए, क्या है, मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 times, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसको, मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 times द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, या फिर 40 mm, विच एवर इज मोर। जो भी थिनर पार्ट होता है, थिनर प्लेट होती है, उसकी थिकनेस से कम 4 गुना होना चाहिए, या 40 mm मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, फिर आ जाता है बट जॉइंट। बट जॉइंट के अंदर क्या करते हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट दोनों को एंड टू एंड ऐसे रखते हैं, फिर उसके ऊपर कवर प्लेट लगाते हैं। अगर एक कवर प्लेट लगाई तो सिंगल कवर, अगर यहां भी और यहां भी नीचे भी लगा दें, दो लगा दें, तो डबल कवर बट जॉइंट हो जाता है। इस केस में अगर बात करें डबल कवर बट जॉइंट के केस में, तो ये रिवेट यहां से भी कटेगी, यहां से भी कटेगी, तो दो शेयरिंग प्लेन बन रहे हैं। अगर हमने ज्यादा लोड यहां से लगाया तो रिवेट जो है वो कहां कहां से शेयर हो सकती है, दो जगह से शेयर हो सकती है। फिर रिवेटेड बोल्टेड वेल्डेड कनेक्शन होते हैं हमारे पास। अलग अलग स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कोई जो आपका कनेक्शन है वो कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है। अगर प्लेट ही टूट गई, प्लेट ही कट गई, जैसे आप पेपर जो है उसको क्या कर देते हैं, आप पेपर को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं ना, ऐसे खींचेंगे तो पेपर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पेपर फट जाता है। आप नोटबुक का ऐसे पेज खींचते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, पेज कैसे फटेगा, उसके परपेंडिकुलर टीयरिंग हो जाती है, सेम तरीके से प्लेट की टीयरिंग हो जाती है। तो 1-1 section आपको वो बता रहा है, 2-2 section आपको क्या बता रहा है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट बता रहा है। यानी कि ये वाला सेक्शन इस सेक्शन के ऊपर सेम चीज, जैसे मैंने आपको बताई ऐसे बियरिंग हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, बियरिंग। तीसरे की अगर हम बात करें शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, यहाँ पे रादर देन प्लेट के बजाय हमें ये बोलना चाहिए यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ किसकी हो रही है, रिवेट्स की हो रही है, रिवेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स की अगर हम बात करें तो रिवेट जो है वो कट ना जाए। क्लियर। UK SSSC के लिए देखिए आप, टेक्निकल सेम रहता है, मोर ओवर द सेम सिलेबस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कहीं ना कहीं, और JEE एग्जाम्स के लिए तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। SSC के अंदर भी ऑलरेडी जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितनी नॉर्मल जो आपका सिलेबस है उससे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, ताकि आप और भी कोई एग्जाम दें। ऐसा नहीं है कि बार बार हर एग्जाम के लिए हमें तैयारी करनी है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी क्लासेस होती हैं वो आप एज अ रिवीजन आप लेते जाइए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ रिवेट जो है वो किस किस कारण से हो सकता है, शियर फेलियर कट जाएगी, बियरिंग फेलियर के अंदर क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि सर्कुलर था वो कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा।
फेलियर ऑफ प्लेट्स की बात करें तो क्या हो सकता है, शियर ऑफ हो सकती हैं प्लेट। अब शियरिंग में टियरिंग में बेसिक सा डिफरेंस याद रखना दोस्तों, शियर जहां भी होता है वो कौन सा होता है, सेम प्लेन के अंदर होता है या ये कह लो टेंजेंशियल होता है, कैसे वर्ड यूज कर लो, या ये कह लो जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपको वो क्या होता दिखेगा, उसी डायरेक्शन में कट होता हुआ दिखेगा। तो यहां पे हम बात करें अगर शियरिंग फेलियर, ये वाली प्लेट इधर खींची, ये वाली प्लेट इधर खींची अगर हमने, तो ऐसे जो है वो प्लेट कट जाएगी, ऐसे उसका शियर ऑफ हो जाएगा, तो शियरिंग फेलियर होता है। दूसरा बात करें तो स्प्लिटिंग फेलियर होता है। स्प्लिटिंग फेलियर के अंदर क्या होगा, यहां से प्लेट जो है वो स्प्लिट कर जाएगी, डायगोनल टेंशन की वजह से स्प्लिट कर जाता है। फिर आता है बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो रिवेट है ये इस प्लेट के ऊपर क्या करेगी, जैसे हमने यहां से लोड लगाया तो इस प्लेट के ऊपर यहां पे क्या करेगी, यहां इसको पुश करेगी। जब इसको यहां पुश करेगी ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो प्लेट का जो होल था जिसमें रिवेट लगी हुई थी, जो वो होल जो था वो क्रॉस सेक्शन उसका कैसा था, सर्कुलर था, वो इलिप्टिकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसका बियरिंग फेलियर हो जाएगा। फिर आ जाता है टियरिंग फेलियर। टियरिंग फेलियर में आपको पहले ही बता चुका हूं, एक जैसे स्पाइरल नोटबुक होती है ना आप सभी के पास, तो आप उसका पेज ऐसे खींचते हैं अगर, तो वो पूरा पेज जहां जहां होल्स थे वो स्पाइरल वाले वहां से फट जाता है, यानी कि जहां जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसके परपेंडिकुलर टियरिंग आ जाती है। तो आपको शियरिंग में और टियरिंग में बस इतना ध्यान रखना है, जब भी फोर्स के परपेंडिकुलर ये कट रहा है तो टियरिंग फेलियर, टेंशन फेलियर। अगर पैरेलल साइड में ये कट रहा है तो क्या हो जाएगा, शेयरिंग। हां जी, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। नेक्स्ट फेलियर ऑफ प्लेट्स की अगर हम बात करें तो फेलियर ऑफ प्लेट के अंदर अभी अभी जो हमने फेलियर देखे, शेयरिंग था, स्प्लिटिंग था, बियरिंग था, टियरिंग था, इन सभी में से जो पहले तीन है, शेयरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग, शेयरिंग, बियरिंग और जो स्प्लिटिंग फेलियर, ये तीनों प्लेट जो है अगर हम एंड डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करें, सफिशियंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर दें उनको, तो वो फेल नहीं होगा। ठीक है, किनारे से जगह छोड़ के अगर रिवेट्स लगा दें तो ये तीनों फेलियर नहीं होते हैं। फिर कौन सा बचता है, सिर्फ और सिर्फ टियरिंग या टेंशन फेलियर, या ये कह लो जहां जहां रिवेट लगी ना तो मतलब क्या हुए, वहां वहां छेद हो गए उस प्लेट के अंदर, तो उस प्लेट में जहां छेद हो गए तो मतलब नेट जो क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया बचता है प्लेट का, जो कि उसको टियरिंग में प्रोटेक्ट करेगा। आप इमेजिन करके देख लो, एक पेज लो जिसमें कोई छेद नहीं है बीच में, ठीक है, आप इस चीज को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करो, एक पेज लो, एक पेज नॉर्मल, दूसरा पेज आप लो ऐसा जिसके अंदर क्या कर दो, यहां पे तीन चार होल्स कर दो। अब सेम फोर्स से आप क्या करो, दोनों को खींचो, सेम फोर्स से आप क्या करो, दोनों को खींचो, तो सेम फोर्स से ये वाला जो है ये जल्दी फट जाएगा एज कंपेयर टू उसके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहां पे होल्स हैं, तो ये होल्स जो नेट एरिया जो प्रोटेक्ट करने वाला है इस प्लेट को या इस पेपर को, वो कौन सा होगा, सिर्फ इतना एरिया बचेगा। यहां इसके लिए कौन सा है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बच जाएगा। सेम तरीके से आप प्लेट के लिए इसको रिलेट कर सकते हो कि जहां जहां भी होल्स होंगे प्लेट के अंदर, वो जो रीजन है वो रीजन ज्यादा प्रोन टू फेलियर हो जाएगा, प्रोन टू टियरिंग हो जाएगा, इसलिए आपको बस इसका ध्यान रखना होता है। तो टियरिंग फेलियर जो है वो कंसीडर करते हैं हम, इसके अलावा जो स्प्लिटिंग, बियरिंग और शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम सफिशिएंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, सिर्फ बचेगा हमारा टियरिंग या टेंशन फेलियर जो कि हम डिजाइन करते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी, 1, 2, 3 कैन बी प्रिवेंटेड बाय एज और जो एंड डिस्टेंस है वो प्रॉपर प्रोवाइड करने से। तो प्लेट जो है उसके चार फेलियर थे, शियरिंग, बियरिंग, स्प्लिटिंग, टियरिंग, इन तीनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनसफिशियंट एंड डिस्टेंस था इसकी वजह से आ रहे थे, तो सफिशियंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके कंट्रोल कर लेंगे। रिवेट जो है वो फेल होती है, शियरिंग में कट जाएगी, यानी कि बियरिंग के अंदर क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इलिप्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें रिवेट के, ये दो फेलियर, टियरिंग का, इसका प्लेट का, तो इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं, फटाफट आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर जहां से सवाल डायरेक्टली बनते हैं, वो बनते हैं आपकी जो रिवेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इस टेबल से क्वेश्चन आता है। पीडीएस का मतलब है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पीडीएफ का मतलब है आप वाली पीडीएफ नहीं, कुछ लोगों को दर्द हो गया होगा सर पीडीएफ कब मिलेगी, ठीक है, तो भावनाओं को कंट्रोल करें। पीडीएफ का मतलब है यहाँ पे पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है। तो 90-90, 270 एक्सियल टेंशन के केस में, शेयरिंग के केस में, बियरिंग के केस में। फिर आती है आपकी हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट,
स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे ही हमारा एग्जाम हो जाता है तब मैं पढ़ा देता, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस अभी शुरू करेंगे, आपकी जो अप्रैल से अभी मोस्ट प्रोबेबली गेट के लिए क्लास दोस्त मैं भी शुरू कर दूंगा, गेट और ESC के लिए। यूट्यूब पे भी चलेगी आपकी और अनअकैडमी पे भी चलेगी, दोनों जगह चलेगी, तो आप कहीं भी आप पढ़ सकते हैं जहां आपको सही लगे। तो वहां पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सारे सब्जेक्ट्स होने हैं जितने भी होंगे गेट ESC के, सभी होंगे। मेरे अलावा दो एजुकेटर्स और भी हैं, एक अविनाश सर हैं और एक नितेश सर हैं। चलिए आगे बढ़े। अरे देखो दोस्त, मुझे ना PDF देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये होता है कि हर PDF को ना फिर वेरीफाई करने में, चीज़ें देखने में, फिर उसको फॉर्मेट कन्वर्ट करने में, इससे PDF बनाने में, फिर सारी चीज़ें प्रूफ रीड, बहुत बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों के अंदर, इसलिए आपको PDF थोड़ी थोड़ी लेट मिलती है। अब आप खुद इमेजिन करके देख लो दोस्त, 500 पेज की PDF होती है, ठीक है, 500 स्लाइड्स की PDF होती है। पहली बात उसको टाइप करना, बनाना, फिर उसके अंदर ये जो टेबल और ये सारी जो कलाकारी करना, इनमें बहुत टाइम लगता है। वो सारी हो भी गई उसके बाद भी उसको आप लोगों को जिस फॉर्मेट में देना है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ में फिर मेरे को सिर्फ काम तो सारे मेरे को ही करने हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है, अगर मैं दूंगा तो इस समय आप सभी का और मेरा भी फायदा है इक्वली, ठीक है। मैं ये सारा कंटेंट खुद के पास रख के क्या करूँगा बताओ, ठीक है, जब तक वो किसी के काम ही ना आया। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इससे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये पैसे थोड़ी ना है कि बैंक में पड़े हैं इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या गोल्ड थोड़ी ना है कि रेट बढ़ रहा है इसका। ये तो वो चीज़ है जो जितना शेयर होगी उतना सभी के काम आएगी। तो दोस्त बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, मुझे भी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आंखें जवाब देने लग जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, सर में ऐसे लगने लग जाता है कि अब बस अब थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, तो ऐसे केस में थोड़ा सा डिले हो जाता है। और चीज़ें डेली नई नई आती हैं, हर दिन कुछ नया करना होता है, हर दिन नई क्लास होती है, तो नए चैलेंज आते हैं, तो सभी इन सब के चक्कर में कभी कभी वो चीज़ ऐसे लगती है। और वो चीज़ अगर आपको डायरेक्टली एज इट इज़ देनी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं, कुछ और एडिशनल अगर क्वेश्चन है वो इसमें ऐड करके देते हैं, इन सारी चीज़ों में बस थोड़ा टाइम लग जाता है। और आपको अगर नोट करने में इतना जोर आ जाता है कि ये PDF दे दो डायरेक्टली हमें, तो थोड़ा दोस्त इसको बनाने में थोड़ा सा लगता है, तो उसमें बस आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। PDF शेयर करने में, कंटेंट शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई फिर मैं प्लस में क्या पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ क्या पढ़ाऊँगा, वहाँ कौन आएगा पढ़ने, इन सब में मुझे 1% दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ जो मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे मैं उससे और अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप देखिए, एक क्लास मैंने अगर वहाँ ली, एक महीने बाद वो क्लास यूट्यूब पे लूँगा, यूट्यूब वाली और बेटर होगी, उस यूट्यूब के बाद एक महीने फिर अगर बाद मान लो वही क्लास मैं प्लस पे लूँगा वो और बेटर होगी। तो डे बाय डे इंप्रूवमेंट्स तो सभी में होते हैं दोस्त, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट होते हैं, और ऐसा है ही नहीं कि एक चीज़ जो है वो एज इट इज़ आप रखें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का। तो ऑनलाइन पढ़ने में जितनी मेहनत आप करते हैं उससे थोड़ी सी कम हमें करनी पड़ती है, पर मेहनत उसमें अच्छी खासी करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें जो प्रॉपरली डिलीवर होती हैं। ये आपने याद कर ही लिया डेटा ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ आपकी ऑनलाइन पढ़ाने की इच्छा है, आपको पढ़ाना है, तो आप प्लीज़ पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैशन ही है, अगर आप सबको छोड़ छाड़ के जॉब भी छोड़ सकते हैं इसके लिए, दो दो जॉब छोड़ सकते हैं, तब आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि बहुत मेहनत है। ऐसे नहीं है कि हाँ सिंपली सब कुछ हो जाता है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं, हर टाइम आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल, ठीक है। पहले जिस जॉब में था मैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 2 घंटे भी काम करो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सैलरी 2 दिन पहले ही आएगी महीना खत्म होने से पहले, और सैलरी इतनी आएगी जितना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें टेंशन फ्री एकदम से, ठीक है। और घर पे 1% भी काम नहीं करना, अगर एक फ़ोन भी उठाओगे उसके भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, सिर्फ 5 मिनट फ़ोन पे बात करोगे तो भी। तो वो सारी चीज़ें और जो आपको करना है, इस चीज़ों में डिफरेंस होता है, अगर जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, जिस काम में आपको खुशी मिले, तो वो ज़्यादा बेटर होती हैं। तो अगर आपका पैशन है तभी इन चीज़ों पे जाएं, सिर्फ देख के, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगती होंगी ना, जैसे पता है क्या होता है, ठीक है मैं आपके 2 मिनट ज़रूर ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम कोचिंग में जाते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है, टीचर आया है, टीचर कैसे कपड़े पहन के आता है, टीचर कैसे रहता है, इस टीचर ने कभी कपड़े नहीं रिपीट किए, इस टीचर के पास ये गाड़ी है, इस टीचर के पास ये फ़ोन है, ये वाली वॉच है, आई वॉच है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें, हमारा ध्यान इन सब चीज़ों पर रहता है। तो वो जो है वो हम ज़बरदस्ती अपने आप को एक ऐसी मतलब हैप्पीनेस दे रहे होते हैं बस, ऐसी कि हम इन टीचर से पढ़ रहे हैं या हम ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीज़ें आपको हेल्प थोड़ी ना करने वाली हैं, वो चीज़ें आपको कहीं हेल्प नहीं करेंगी, या उस चीज़ को देख के बहुत सारे लोग ऐसे
सोचने लग जाते हैं कि हम भी पढ़ाने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है हमेशा कि हर इंसान वही जो दिखता है वही होता है। ठीक है, टीचिंग के अंदर बहुत जगह स्ट्रगल भी बहुत होता है, और बहुत जगह आप ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ जगह पैसा होता है, ज़्यादातर जगह स्ट्रगल मिलता है आपको। तो अननेसेसरी आप 2-3 साल आप अपने इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप परेशान हो जाएं वहाँ जाके, तो इससे बेटर है अंटिल एंड अनलेस आपकी इच्छा ही है कि मुझे यही करना है तब इस फील्ड में जाएं आप, अदरवाइज आप जो आपको लगे सरकारी जॉब लगे, बिजनेस लगे, कुछ भी लगे उसमें आप जा सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्लस कोर्स की डिटेल लास्ट में बताएंगे आराम से क्या बताना है। ठीक है, हमारा यही ध्यान रहता है कोचिंग में, ये नहीं होता है हमारा। ठीक है, अब हम किस चीज़ पे इन सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना इन पे ध्यान देते हैं, इनसे इंपैक्टेड हो जाते हैं, उनसे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है उनके पास है, उन्होंने मेहनत की है, जिसके पास भी है, लेकिन ये भी तो होता है ना, कुछ लोग जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, बिजनेस कुछ और चल रहा है या कुछ और जॉब कर रहे हैं जो मेन उनका अर्निंग का सोर्स है, तो हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि हाँ भाई सिर्फ पढ़ा पढ़ा के ये हो गया। हमारे दिमाग में क्या कैलकुलेशन चलती है, सर एक घंटे के कितने पैसे मिलते हैं आपको और पूरे महीने के कितने हो जाते हैं, कितनी क्लासेस, फिर हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि हाँ सर तो महीने में 60 घंटे 50 घंटे ही पढ़ाते हैं, इतने पैसे छाप लेते हैं। तो जो चीज़ें दिखती हैं और जो चीज़ें होती हैं एक्चुअल में डिफरेंट होती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान दें, जब तक आपको ऐसा ना हो कि यही करना है, और आज के टाइम तो ये बहुत टफ जॉब हो गई है, ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, तो आपको अगर मेहनत से डर नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में मैं इन्जॉय कर सकता हूँ अगर मैं 20 घंटे भी काम करूँ, तो यू कैन गो फॉर इट। देखिए नंबर ऑफ रिविट्स की बात करें, नंबर ऑफ रिविट्स रिक्वायर्ड एट अ जॉइंट, टोटल फोर्स जितना आएगा और जितने रिविट्स वहाँ पे लगे हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, जैसे ही अपना गेट की क्लासेस शुरू हो जाएगी मैथ्स ऑब्वियसली वहां पढ़ाएंगे। क्या बात, आईपैड खरीदा आपने क्लास के लिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई दोस्त, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैंने खरीदा है, उतनी खुशी। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड एट अ जॉइंट, टोटल फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट क्या हो जाएगी, जो भी लीस्ट होगी, शियरिंग बियरिंग फेलियर ऑफ द रिवेट अपॉन और टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। और हम ये सोचते हैं कि जो फेलियर ऑफ रिवेट है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए हम क्या चाहेंगे कि प्लेट जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम रहे या फिर पहले प्लेट फेल हो, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर वैल्यू आ जाती है पीटी और नीचे आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इन्हीं का आपको यहाँ पे ये आगे फिर से डिफाइंड वर्जन है, लीस्ट वैल्यू इनमें से हमने किसको माना, प्लेट की वैल्यू को मान लिया, प्लेट की वैल्यू से रिड्यूस करके हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया एफिशिएंसी का, गेज लेंथ के लिए हमने निकाला जी माइनस डी अपॉन जी इंटू 100। नेक्स्ट, किसी ने लैपटॉप लिया है, किसी ने कुछ लिया, एक बात तो है ना दोस्त, अच्छी बात है ना, आप उतने ही पैसे अगर कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं, किसी कोचिंग में करते हैं, उसके बजाय आपने कुछ चीज़ ली जो आपकी खुद की है, आपके खुद के लिए बेनिफिट, आपकी लर्निंग में इंप्रूव कर रही है आपकी, तो अच्छी बात है। सेम पैसे आप कोचिंग में देते कहीं पे, सेम पैसों से आपने खुद लैपटॉप खरीदा, तो आप कुछ सीखेंगे, अपने भाई बहनों को भी सिखाएंगे। रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट आर अरेंज्ड इन टू फॉर्म्स, चेन रिवेटिंग हो सकती है, डायमंड रिवेटिंग हो सकती है। ईएससी का प्लान बहुत जबरदस्त है, ईएससी के लिए आप 10-15 दिन इंतजार करिए बस, अब तक तो मैं यही वेट कर रहा था कि एक बार ये हो जाए अपना एसएससी हो जाए उसके बाद शुरू करते हैं आराम से, ताकि आप लोग थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएं। अब एसएससी का थोड़ा सा ऐसे हो गया ना कि पता नहीं है कब होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने शुरू करते हैं, अभी जल्दी सोचते हैं इस बारे में। मैंने जियो का फोन लिया बस कुछ भी। चलिए ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है या नहीं करनी जल्दी से बताइए, जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से फोर्स आया, यहाँ से इस प्लेट को खींचा, यहाँ से इस प्लेट को खींचा, जैसे इन दोनों को खींचा ना, तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है, लोड आ रहा है, लोड जो आएगा इस प्लेट के लिए सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, इस प्लेट के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। लोड ट्रांसफ़र जो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कोई एक किला है उसके ऊपर अटैक कर रहा है अगर दुश्मन, तो सबसे पहले वो जो फ्रंट वाली टुकड़ी होगी उस पर अटैक करता है, तो यही आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि वो जो किला है वो क्या करेगा, ये वाले जो हैं
ऊपर खड़े हैं, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर खड़े हैं ये वाले मेंबर्स, तो आप सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहां से लोड जैसे ही आया वो लोड क्या करेगा, सबसे पहले इसको इम्पैक्ट करेगा, सबसे पहले किसको, जो पहली रिवेट है या फिर आप ये कह लीजिए जो आउटर वाली है, तो ये मेन प्लेट है हमारी, मेन प्लेट के लिए जो आउटर वाली रिवेट है वो ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन होता है, सबसे पहले लोड आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, तो जब तक लोड पहुंचेगा ये तीसरी रिवेट तक, तब तक ये दो कुछ ना कुछ जितनी इनकी क्षमता है उतने लोड को तो ये रोक चुके होंगे और फिर लोड पहुंचेगा यहाँ, फिर उसके बाद लोड ट्रांसफर होता है कहां से, कहां, यहां से, इनर एक्शन से यहां से ट्रांसफर होगा, तो अंदर की तरफ से लोड इस प्लेट पे जाएगा और फिर वो लोड ऐसे ट्रांसफर होगा, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं जब ऊपर वाले फ्लोर पे दुश्मन गया तो सबसे पहले कौन मिलेगा उसको, जो स्टेयर्स के पास होगा, तो सबसे पहले ये वाले जो मिलेंगे, तो इनके लिए कवर प्लेट्स के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 3-3, ठीक है। तो मेन प्लेट के लिए जो सेक्शन 1-1 आपको दिखा रखा है ये ज्यादा क्रिटिकल होता है, कवर प्लेट के लिए जो सेक्शन 3-3 होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है। याद किस तरीके से रख सकते हैं दोस्त, मैंने आपको बताया कि आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, यहां से लोड आया, लोड आएगा तो मेन प्लेट पे ही, अभी तो लोड, तो मेन प्लेट पे सबसे पहले किस पे आया, सेक्शन 1-1 पे आया, फिर किस पे गया, 2-2 पे, फिर 3-3 पे, सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा, 1-1, फिर लोड कैसे ट्रांसफर हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पहले किस पे आया, 3 पे, तो इस तरीके से फिर 2 पे, फिर 1 पे, तो कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हो गया, 3 वाला हो गया। आगे चले, इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ बताते जा रहे हैं ना दोस्त, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट इज आउटर वाला या इनर वाला, अब वहां पे तो हमें समझ ही नहीं आता, आधी किताबों में तो आपको बस इतना डायग्राम देखने को मिलेगा, अब ये वाला, अब इसमें आपको ये नहीं समझ आएगा आउटर ये है, आउटर ये है, कौन सा है, तो एक प्लेट नीचे वाली ये, दूसरी प्लेट ये, इन दोनों को ज्वाइन किया है कवर प्लेट से, तो अब इनके सेक्शन ये बन रहे हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल होगा और ये वाला जो सेक्शन है ये कवर प्लेट के लिए होगा, तो ये यहां से इनर का मतलब ये हो रहा है। स्कॉलर कहाँ गए, स्कॉलर यही हैं सब ऑनलाइन। अब स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप क्या कर रहे हैं, प्लेट की स्ट्रेंथ, प्लेट की स्ट्रेंथ किसमें, टीयरिंग के अंदर, तो अगर आप ये कहेंगे प्लेट मटेरियल जो है उसकी कितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो ले सकता है, उसकी वैल्यू है FT, तो कितना एरिया उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये बताओ आपने क्या किया, मैंने फिर से वही पेज वाला एग्जांपल लूंगा, जैसे आप एक पेज को टियर कर देते हैं, तो ये आपका अगर पेज है तो इस पेज पे आप क्या कह सकते हैं, इस पेज का ये जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया था, देखिए जैसे इस तरीके से कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं, अब अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या होगा, टीयरिंग यहीं पे होगी, या आप ये कह लीजिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो ये वाला एरिया ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये एरिया इनटू ये मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो ले सकता है टीयरिंग के अंदर, तो इस एरिया को मैं FT से मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है, वो एरिया कितना है। अब ये एरिया कब इंपैक्टेड होगा, अगर मैं ये कह दूं कि ये आपकी प्लेट थी, इस प्लेट के अंदर आपने क्या कर दी, रिवेट्स लगा दी, जब रिवेट्स लगा दी तो यहां पे क्या हो गए, होल्स हो गए ना, रिवेट जब यहां पे आपने इंसर्ट कर दी तो यहां क्या हो गए, होल्स हो गए, यानी कि ये इतना एरिया तो चला गया, यहां पे तो जो स्टील है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये वाला और ये वाला एरिया, यही तो प्रोटेक्ट करेगा, बस यही एरियाज हमें कैलकुलेट करने हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, B-3D, यानी कि इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो जितनी इस प्लेट की विड्थ थी उसमें 3 होल्स के बराबर ये माइनस कर दीजिए, तो यहां से आप यहां खड़े होकर अगर जो एरिया देखेंगे इस साइड से यहां खड़े होकर देखेंगे वो आपको दिख जाएगा, तो B-3D इंटू टी, यहां पे आपने एरिया से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इंटू FT, तो एरिया इंटू स्ट्रेस, जो कितना फोर्स ये कैरी कर पाएगी जिसमें वो फेल ना हो। फिर अगर बात करें 2-2 सेक्शन पे, तो जब तक 2-2 सेक्शन पे लोड आएगा तो 3 रिवेट्स ऑलरेडी अपनी रिवेट वैल्यू के बराबर, अपनी क्षमता के बराबर लोड रेजिस्ट कर चुकी होगी, यानी कि ये रिवेट क्या बोल सकती है, ये रिवेट क्या बोल सकती है कि मेरे मैं कितना लोड रेजिस्ट कर सकती हूँ, एक्सटर्नली कितना लोड आया तो कितना मैं रेजिस्ट कर लूंगी, जितना इन तीनों की क्षमता है, यानी कि B-3D इंटू T इंटू FT प्लस 3 ये जो मेरे भाई आगे खड़े हैं
जो प्रोटेक्ट करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ भी तो मेरी स्ट्रेंथ है, तो इस इतना लोड अगर आ जाएगा प्लस 3 RV तब तक मैं यहाँ पे सुरक्षित खड़े रहूंगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेम तरीके से 3-3 सेक्शन पे आप बात करेंगे तो जितना ये तीनों ये वाला सेक्शन रेजिस्ट कर सकता है, प्लस इससे 6 आगे रिवेट्स और हैं जो कि 6 रिवेट वैल्यू के बराबर लोड कैरी कर सकती हैं। तो ये वाली रिवेट कब तक स्टेबल खड़ी रहेंगी, जब तक कि लोड इनकी खुद की स्ट्रेंथ प्लस 6 रिवेट वैल्यू के बराबर अगर लोड आ जाए तब तक ये सेफ यहाँ पे रहेंगी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे में आप दोस्तों कवर प्लेट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमंड सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है, ये वाली इस पर अपन ज़्यादा टाइम अभी नहीं देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं IS स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, जिनके अंदर आपको एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है। तो एज और एंड मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, मशीन कट एलिमेंट अगर है आपके पास तो, और अगर हैंड ड्रिवन है तो उसका होता है 1.7 बिल्कुल, ठीक है। स्टील बार बार रिवीजन के बाद भी याद नहीं रहती है, तो स्टील दोस्त ऐसे ही याद रह सकती है, जो मैं आपको बार बार हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इन चीज़ों को पढ़ के, इनके क्वेश्चन कर करके, इसी चीज़ को क्वेश्चन की फॉर्म में देख देख के ऐसे ही याद होगी। पिच की बात करें दोस्तों तो मिनिमम पिच 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पिच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। मैक्सिमम पिच की अगर बात करें तो कंप्रेशन में होती है 12 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट या फिर 200 mm, और टेंशन के अंदर अगर बात करें तो 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट या फिर 200 mm। आगे बढ़े, हाँ जी स्टैगर्ड के लिए बोल रहे थे आप, 50% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है मान लेते हैं ये बात कि अगर स्टैगर्ड पिच की अगर हम बात करें तो स्टैगर्ड पिच के केस में 50% इंक्रीज कर दो, 12T का 50% इंक्रीज करूंगा तो 18T हो जाएगा, इसका 50% इंक्रीज करूंगा तो 200 का 50% 100, तो 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 16T का 50% करेंगे तो 24 हो जाएगा, 200 का करेंगे तो 300 हो जाएगा, यही वैल्यूज बस याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कंप्रेशन के अंदर 18T और 300, टेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो 24T और 300, क्लियर, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आपकी मैक्सिमम स्टैगर्ड पिच हो जाएगी। चले आगे, नेक्स्ट आपसे पूछता है गेज लेंथ के लिए इट शुड नॉट बी मोर देन 100 प्लस 40 और 200 mm, मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो है वो आपका 12 टाउ एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन की रूट ऑफ 250 अपॉन यील्ड स्ट्रेस। When the member are exposed to corrosion, the maximum edge distance should not be greater than 40 plus 40. फिर आ जाते हैं टैक रिवेट्स के ऊपर। टैक रिवेट्स ऐसी होती है जो दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को बस कंबाइन करके रखती है, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को बस कंबाइन करके रखती है, वो लोड नहीं कैरी करती हैं, ठीक है, वो लोड नहीं कैरी करेंगे। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप इसको देखिए, इमेजिन करिए, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा, ये एक गजेट प्लेट लगी हुई है, इस गजेट प्लेट के इस साइड एक एंगल सेक्शन है, अब ये एंगल सेक्शन कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और सेम इस तरीके से एक एंगल सेक्शन इस बोर्ड के इस प्लेन के इस गजेट प्लेट के उस तरफ भी लगा हुआ है, यानी कि अगर आप यहां से ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगी ये गजेट प्लेट, कैसे दिखेगी, ऐसे एक एंगल सेक्शन इधर एक एंगल सेक्शन उधर, बीच में गजेट प्लेट, इसका क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे, मतलब यहां से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। अगर इसको इस सेक्शन को देखेंगे आप, ये वाला सेक्शन है, अगर यहां से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, एक एंगल सेक्शन जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एंगल सेक्शन ये वाला, एक एंगल सेक्शन इस प्लेन के दूसरी तरफ है, ठीक है, तो वो एंगल सेक्शन ऐसे, इनके बीच में क्या लगी हुई है, कोई फिलर प्लेट लगी हुई है, और यहां लगी हुई है ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आपकी टैक रिवेट है। स्ट्रक्चरल रिवेट क्या करती है, लोड कैरी करती है, लेकिन टैक रिवेट किन्हीं भी दो मेंबर को बस ज्वाइन करने का काम करती है। तो अब हम बात करें दोस्तों यहां पे कि टैक रिवेट्स के बारे में क्या कोडल प्रोविजन आपको याद रखने हैं। सो मैक्सिमम पिच प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ टैक रिवेट व्हेन टू एंगल सेक्शन आर प्लेस्ड बैक टू गजेट प्लेट इज 100 mm इन केस ऑफ टेंशन एंड लेस देन 600 mm इन केस ऑफ कंप्रेशन। व्हेन टू प्लेट्स आर अटैच्ड टू अ गजेट प्लेट बैक टू बैक देन मैक्सिमम पिच इज टेकन एज 32 टाइम्स थिकनेस ऑफ द प्लेट और 300 mm विच एवर इज मिनिमम। चलें,
क्या फर्क पड़ रहा है, बुराई कर रहे थे तो मेरे को बता देना बस, कोई दिक्कत है तो अपने सही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, हर कोई अपना बेस्ट देता है। अगर अपने से कहीं कोई कमी हुई है तो आप बता दीजिए, अपने इम्प्रूव कर लेंगे, सिंपल। बुराई बुराई क्या होता है, अनविंस फार्मूला देखो, अपने लिए हर चीज़ पॉजिटिव है, कोई कुछ भी बोले कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सब अपना भला कर रहे हैं, सब अपना भला चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने लिए भी कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ दिखा होगा कि हाँ ये और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो वो आप बता दीजिए हमें, हम ट्राई कर लेंगे उसको भी। इट इज़ यूज व्हेन डायमीटर ऑफ रिवेट इज नोन। डायमीटर ऑफ रिवेट अगर आपको पता है तो आप, सॉरी डायमीटर ऑफ रिवेट अगर आपको पता नहीं होता, जैसे डिज़ाइन के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी होती है, तो आपको डायमीटर ऑफ रिवेट जो है वो अगर आपको पता लगाना है कि किस डायमीटर की रिवेट आप यूज़ करेंगे, तो अनविंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर कुछ इससे रिलेटेड नोट्स आते हैं जहां पे सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या क्या। फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। फील्ड रिवेट के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, 90% स्ट्रेंथ लेते हैं अपने, जो आपके शॉप रिवेट होती है उसका, या आप ये कह लो 10% रिड्यूस कर देते हैं। द परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट अंडर विंड लोड कंडीशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं 25% से। परमिसिबल स्ट्रेस इन विंड एंड अर्थक्वेक लोड जो है उसको भी 25% से इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन थिकनेस ऑफ कवर प्लेट अगर नहीं गिवन हो तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट या मेन थिनर प्लेट जो है। क्लियर, चलिए आगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, जहां आपको अच्छा लगे ना वहां से पढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात होती है ये ना। आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया है एजुकेशन इंडस्ट्री में, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलता रहता है, पढ़ाई लिखाई वाली वीडियोस कभी ट्रेंडिंग में आती नहीं है, कौन कितना अच्छा पढ़ाता है, कौन कितना बेस्ट करता है, इसने ए ने बी के बारे में ये बोला, बी ने ए के बारे में ये बोला, ये सब ना फालतू बातें होती है दोस्तों। मुझे लगता है कि हम सभी को इनसे ना बच के रहना चाहिए। हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है पढ़ने से, ठीक है। आप सभी को पता है हर कोई इसीलिए आता है, ठीक है, कोई किसी के कहने से, कोई किसी के दिखने से, कोई किसी की बातों से, कोई किसी के बहकावे में कोई नहीं आता। आप सब लोग स्मार्ट होते हो, हम सब लोग, ठीक है, हम सबको सब पता होता है कि क्या चीजें सच है, क्या चीजें गलत होती हैं, क्या बिजनेस के लिए होता है, क्या अपने मन से कोई करवाता है, तो सारी चीजें अपने अपनी हर किसी को पता होती हैं। तो इन चीजों में क्यों अपना दिमाग खराब करना, क्यों ऐसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, अपने मजे करो, जो काम आपको अच्छा लगे आप करो, जिस तरीके से आपको पढ़ाना है आराम से पढ़ाओ, टेंशन फ्री होके, क्या दिक्कत है। इनसे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है इनसे, ना इनसे कोई फर्क पड़ता है, ना इनसे कोई किसी से सिंपैथी मिलती है, और मिल भी जाएगी तो वो क्या फायदा है। तो आप लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बस। आप ये है कि आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ो, मत सीधी सी बात है। और हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, मेरी नज़र में कोई बुरा नहीं होता है कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले। सर द मैक्सिमम अलाउेबल स्टैंडर्डनेस रेशियो फॉर मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्स ओनली इज, क्या होता है। ये टेबल आ जाएगी जल्दी से इसको देखिए। अगर आवाज में कोई दिक्कत आए तो आप बता देना प्लीज। चलें आगे। 250 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। दोस्तों आपको टेबल याद करनी है पूरी, अभी आएंगे स्लेंडरनेस रेशियो पे। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अलाउेबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्सेज ओनली, विंड एंड सिस्मिक फोर्सेज ओनली। इसी के लिए दोस्तों इस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको एक बार जूम इन कर रहा हूँ, और ये टेबल याद करनी करनी है। एक नंबर है, अगर आपको एक नंबर चाहिए स्टील स्ट्रक्चर में, मैं ये तो नहीं कहूँगा हर एक सेट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो आपके चार पांच जो भी आपके जितने शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होगा उन सभी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड्स, इसके लिए मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो लेते हैं 180। टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस, विंड और सिस्मिक फोर्सेस के अलावा टेंशन मेंबर जिसमें रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, यानी कि कभी कंप्रेशन कभी टेंशन, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस उसमें अगर हो रहा है, उसके लिए कितना 180। तो अगर हम बात करें
डेड लोड और इम्पोज लोड अगर आते हैं या फिर जिसमें होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, उसमें वैल्यू याद रखनी है आपको 180। तीसरा पॉइंट जिसके बारे में ये सवाल था, मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्सेस रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विद विंड और अर्थक्वेक एक्शंस, प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि कंप्रेशन फोर्सेस आ रहे हैं किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ विंड और अर्थक्वेक एक्शन की वजह से। तो ऐसे केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितनी होगी, 250। क्लियर? चलें आगे। चलो नेक्स्ट, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग 300 होता है। अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन रूफ ट्रस और अ ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेज। टाई मेंबर की तरह है, टेंशन आ रही है उसमें या ब्रेसिंग सिस्टम में है, इंक्लाइंड में है वो, नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। वहां पे अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आए तो उस केस में कितना आप मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लेंगे, 350। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन, हमेशा जो टेंशन में रहते हैं उनके लिए 400। क्लियर? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सभी जो भी काम कर रहे हैं एक बार छोड़ के इन सभी पॉइंट को जोर जोर से रीड करो, जल्दी से रीड करो इनको, जोर जोर से आपको रीड करना है। द अप्लाइड एक्सियल लोड इज अज्यूम टू बी शेयर्ड बाय ऑल द रिवेट्स इक्वली, पहला अजम्पशन। दूसरा, टेंसाइल स्ट्रेस 0.6 FY, शियर स्ट्रेस 0.4 FY एंड बियरिंग स्ट्रेस एट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स आर अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमने पढ़े थे अजम्पशन वाला क्वेश्चन जो था। द इफेक्टिव The effect of bending stress is neglected. Grip length जो है वो should not be greater than 5-5 LSM के केस में, should not be greater than 8-5 WSM के केस में. Friction force between two plates is neglected. और यहाँ पे सबसे important जो consideration है वो क्या है कि जो आपकी rivets की जो strength बननी चाहिए, n rivets की, एक rivet की value है RV, n rivets की strength है n into RV, ये जो टोटल स्ट्रेंथ जो है ये ज्यादा होनी चाहिए प्लेट की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उससे। क्लियर? प्लेट की स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कवर प्लेट्स फॉर अ बिल्ट अप बीम, अलाउंस ऑफ रिवेट होल्स जो है वो लगभग 13% करते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है, ये एक पॉइंट आपसे पूछ लेता है। ब्लॉक शियर फेलियर में ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल आएगा तो वो ऐसा आएगा, ब्लॉक शियर फेलियर की कंडीशन में क्या क्या होता है, ऑप्शन चार देगा आपको। पहला ऑप्शन देगा शियर फेलियर होता है, दूसरा होता है टेंशन फेलियर होता है, तीसरा ऑप्शन देगा कि फोर्स की डायरेक्शन में शियर फेलियर होगा और उसके परपेंडिकुलर टेंशन फेलियर दोनों होंगे, और एक ऑप्शन दे देगा आपको कि फोर्स की डायरेक्शन में तो टेंशन फेलियर होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शियर फेलियर होगा। तो आपको क्या करेक्ट आंसर बताना है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फोर्स की डायरेक्शन में कैसा फेलियर आता है, शियर फेलियर आता है। फोर्स की डायरेक्शन में कैसा, शियर फेलियर, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा फेलियर आता है, टेंशन फेलियर आता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे बोल्ट जो होते हैं या जो रिवेट्स होती हैं, जिस केस में भी ब्लॉक शियर फेलियर होता है, यहाँ पे ये जो कनेक्शन वाले मेंबर्स होते हैं इनकी बियरिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये हटेंगे नहीं वहां से, ये वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, जोर से हम क्या कर रहे हैं प्लेट को खींच रहे हैं, तो क्या हो गया, पूरा का पूरा एक ब्लॉक ही, काफी सारी रिवेट्स और एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही वहां से क्या हो जाता है, उसका पूरा ही हट जाता है, इसको ब्लॉक शियर फेलियर हम बोल देते हैं। हमें जो टेक्निकल भाषा में याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ लोड के अंदर शियर फेलियर होता है, इसके परपेंडिकुलर के अंदर टेंशन फेलियर आ जाता है, बस। क्लियर? नेक्स्ट, फिर अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन के अंदर, तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन, आपसे बस बोल्ट में आपको ऐसे याद रखना है 12 से 14 mm की अगर आपको नॉमिनल डाय ऑफ बोल्ट दे रखा है तो इसमें आप +1 mm करेंगे, 1, 2, 3 आपको ऐड करना है, 1, 2, 3 ऐड करना है, 12 to 14, 16 to 20 और 24 से लेके, सॉरी 16 to 24 और उसके बाद 30 से 36, तो 30 या 30 से ज़्यादा वाली वैल्यू पे 3 ऐड कर दीजिएगा,
16 से 24 में 2 mm ऐड करना है आपको, और 12 से 14 के अंदर कितना ऐड करना है, 1 mm. मतलब जो आपको एग्जांपल दिखा रखा है, अगर बोल्ट का डायामीटर 12 mm है तो प्लस 1 करो तो 13 आ गया, 14 है तो प्लस 1 करो 15 आ गया, 16 से लेके 24 तक प्लस 2 करना है तो 16 का 2, 16 में 2 ऐड किया 18, 20 में 22, 24 में 26, और अगर 30 और 36 mm की है तो इसमें प्लस 3 कर दो तो 33 और 39. अगला सवाल आपके लिए. पूरा क्लास यूट्यूब पर चलता है, हाँ बिल्कुल चलती है, पूरी क्लासेस चलती है दोस्त, शाम को 10 बजे चलती है, पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आपको पुराने वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप संदीप जानी सर्च कर लेना, आपको उससे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मैंने खुद भी प्लेलिस्ट बना रखी है. बाकी आप वाईफाई स्टडी सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे, उस पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, SSC JEE 2018 19 की, RRB की भी मिल जाएंगी. सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो दोस्त आप अपने आप भी बना सकते हैं, या मैंने बना रखी है तो आप वहाँ देख सकते हैं आप सर्च करके. चलिए 39 बिल्कुल, आई टोल्ड यू कोई और ऑप्शन ही नहीं आ रहा, सब स्कॉलर्स बैठे हैं यहाँ पे. 39 mm बिल्कुल परफेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पिच और गेज की बात करें तो 2.5 टाइम्स डी होता है, और डी यहाँ पे नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट. नेक्स्ट, मैक्सिमम पिच की बात करें, सेम प्रोविजंस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे सेम रहते हैं. पिच जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16T और 200 mm फॉर टेंशन मेंबर, वही वहाँ पे था. कंप्रेशन के लिए 12T और 200 वही वहाँ पे था. रोज नियर द एज उसके लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स द थिकनेस प्लस 100 mm या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी. स्टैगर्ड पिच की अगर हम बात करें यहाँ पे, व्हेन गेज डज नॉट एक्सीड 75 mm, तो पिचेस जो हैं फर्स्ट 2 और 3 सेक्शन के अंदर, इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं किससे, 50% से. इन तीनों केसेस में ये वैल्यूज हम किससे इंक्रीज कर सकते हैं, 50% से, जैसा कि हमने पिछले केस में भी देखा. गेज की बात करें तो गेज शुड नॉट बी, मैक्सिमम गेज जो है उसकी वैल्यू 32 टाइम थिकनेस ऑफ द प्लेट और 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एज और एंड डिस्टेंसेज पे आ जाते हैं दोस्तों, तो एज और एंड डिस्टेंस सेम जैसा आपको वहां बताया था, मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस 1.7 टाइम्स. फिर आप बात करें मिनिमम एज एंड और एज डिस्टेंस 1.5 टाइम्स, और डाया ऑफ होल यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है. डी नॉट क्या है यहाँ पे, डाया ऑफ होल. चले आगे, आज तो अपने पास टाइम है आराम से. सेम सारे प्रोविजन वही चल रहे हैं दोस्त. नेक्स्ट, पैकिंग बोल्ट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पिच 32T और 300 mm, और मैक्सिमम पिच जो आपकी है अगर वेदर को एक्सपोज्ड है तो 16T और 200 mm, अगर एक्सपोज नहीं है तो 32T और 300 mm. वेदर को एक्सपोज्ड है तो पास पास लगाओ उनको, एक्सपोज नहीं है तो दूर भी लगा सकते हो थोड़ा थोड़ा, तो पिच बढ़ गई वहां पे जब वेदर को एक्सपोज नहीं है. आगे बढ़े, वेल्डेड कनेक्शन पे आ जाए. वेल्डेड कनेक्शन के अंदर पहला सवाल आपसे ये बन जाता है कि वेल्डेड कनेक्शन के अंदर शीयर जो है आप डिजाइन करते हैं किसके लिए डिजाइन करते हैं, इस कनेक्शन को शीयर के लिए डिजाइन करते हैं, पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है. दूसरा जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि थ्रोट क्या होता है, व्हाट इज थ्रोट ऑफ द वेल्ड, या इसका मेन काम क्या होता है. तो क्या काम होता है, ये शीयर ट्रांसफर के काम आता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो है, फिर आप बोल सकते हैं कि ये डायगोनल मेंबर जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जॉइन हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा जो कहानी आप बोलते हैं. क्लियर, सो द पार्ट ऑफ वेल्ड विच इज अज्यूम टू बी इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस इज कॉल्ड थ्रोट. क्लियर, बढ़े आगे. नेक्स्ट, फिलेट वेल्ड की बात करें तो फिलेट वेल्ड के अंदर एक सवाल और जो हाइलाइटेड है आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वेल्ड. सो इट इज 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ वेल्ड. एस जो है साइज ऑफ वेल्ड जो हम क्या लेते हैं, साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, जो भी इनके दोनों लेग होते हैं उनका मिनिमम वाला, इन दोनों लेग्स की जो मिनिमम होगा उसको साइज ऑफ वेल्ड कंसिडर करते हैं. तो 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ या फिर थिकनेस ऑफ वेल्ड हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड. और
अगर आपको थ्रोट थिकनेस पूछी जाए तो वो किसके बराबर होती है, के इंटू एस के बराबर होती है। अब के और एस की वैल्यूज जो हैं आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, शुरू कर लेना इसको 0.70 से और कहां तक लेके जाना है 0.5 कम करते हुए। एक बार मैं इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि आप इसको क्लियरली देख पाएं। अगर फ्यूजन फेसिस के बीच का एंगल 60 से 90 डिग्री है जो कि ज्यादातर यही होता है तो के की वैल्यू है वो आपको 0.7 मिलती है, इसीलिए हम लिख लेते हैं कि थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू 0.7 इनटू एस। ठीक है, ये लिखते हैं ना हम, तो ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको आईएस कोड टेबल 22 आपको ये बताती है कि एंगल ऑफ फ्यूजन फेसिस जो है दो फेस जो फ्यूज हो रहे हैं उनके बीच में 60 से 90 डिग्री का एंगल है तो 0.7। अब इसके बाद 91 से लेके 100 तक चले जाएं तो 0.65, फिर 101 से 106 के बीच में है तो 0.6, फिर उसके बाद 107 से 113 तो 0.55, मतलब 0.5 कम करते जाना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद और 0.5 कम कर लीजिए तो 114 से 120 डिग्री का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 60-90 वाला तो सभी को याद होगा ही, अगर नहीं याद है तो के की वैल्यू याद कर लीजिए 0.7 होती है। क्लियर, इसीलिए हम ये यूज करते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड कब बोलते हैं, जब क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड जो है वो 45 डिग्री का आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, यहाँ भी 45 का एंगल, यहाँ भी 45 का एंगल, तो हम क्या कह देते हैं उसको, स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड कहते हैं। स्पेशल फिलेट वेल्ड के अंदर क्या होगा, एक एंगल 30 का होगा, एक 60 का होगा, यानी कि एक बनेगा लॉन्ग लेग, एक बनेगा शॉर्ट लेग। क्लियर, फिर अलग अलग, अब ऐसे इनसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कनकेव फिलेट वेल्ड, यहाँ पे शेप कनकेव बनेगी, यहाँ कॉन्वेक्स बन जाएगी, ऊपर से देख रहे हैं केव बन रही है तो कॉन्केव, यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप मिल रही है कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद आ जाता है मीटर वेल्ड, फिर कुछ और टाइप्स हैं इनको रीड कर लेना, लेकिन यहाँ से ऐसा कोई खास सवाल नहीं बनेगा। डायगनल है, एंड वाला है, साइड वाला है, तो ये बेसिक बातें। इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, अब हम बात करें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में। डिलीट सर्विंग क्लास फ्रॉम योर प्लेलिस्ट एंड इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। आप देखो दोस्त, अभी ना मतलब आप सभी को ये चीज़ें लग रही होंगी कि क्लास वगैरह अभी क्यों नहीं हो रही, या फिर वो पेन टैप मॉडल से क्यों हो रहा है, यहाँ पे सिचुएशन सही में थोड़ी ख़राब हो रखी है। और जितनी टेंशन आप लोगों को हो रही है, जितना आपको लगता है ना, अब आप इमेजिन करके देखिए, यहाँ पे मैं 6 घंटे लगातार खड़े रह सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बैठ के पढ़ाने में ना एक वो होता है। ठीक है, 1-2 घंटे की क्लास बहुत इफेक्टिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ना जो मैराथन क्लासेस होती हैं उनमें थोड़ा सा ऐसे होता है स्टूडियो मॉडल, तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ कि इसमें थोड़ा सा आपको भी लगता होगा। लेकिन अभी जो सिचुएशंस हैं उनमें जैसे भी बेस्ट हो पा रहा है दोस्त, सभी सब ट्राई कर रहे हैं अपने वे से। अब जो पेंटे मॉडल है उस पर भी क्रोमा सेटअप कर रहे हैं, कैसे और इफेक्टिव बन सकता है, कैसे चीज़ें हो सकती है। अब आपको तो डायरेक्ट क्लास दिखती है, इसके बैकहेंड का जितना वर्क होता है वो इतने एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं कि चलो ऐसे करके देखते हैं ऐसे कैसे बेटर होगा, ऐसे करके देखते हैं, इस सॉफ्टवेयर पर वर्क करके देखते हैं, इस सॉफ्टवेयर पर वर्क करके देखते हैं कैसे चीज़ें और अट्रैक्टिव हो सकती हैं, आसानी से समझ आ सकती हैं, कैसे एनिमेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई सक्सेसफुल हो जाता है तब आपको मिलता है, तब आपको लगता है सर आज अच्छा किया, तो वो आज नहीं होता, वो बहुत पहले से ट्राई कर रहे होते हैं, तब चीज़ें इफेक्टिव होती हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज हैं, मतलब 10 दिन रुक जाइए तो शायद होपफुली टचवुड कुछ अच्छा और बेटर होने वाला है आप सभी के लिए, तो वो आपको शेयर करेंगे जब सक्सेसफुल हो जाएगा। थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट की अगर हम बात करें तो 0-10 अगर है, सवाल क्या आता है, थिकर प्लेट आपको यूज़ करना है पहला, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पर डिपेंड करेगा साइज ऑफ वेल्ड। 0-10 है तो 3, 11-20 है तो 5, 21-32 तो 6, और ग्रेटर देन 32 है तो आप क्या करेंगे 8 या फिर 10 mm का आप यूज करेंगे। क्लियर, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये उसी टेबल में लिखा हुआ था, ये कोड का स्क्रीनशॉट है बस जस्ट। फिर उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, ये वर्ड्स में लिखी हुई है, लाइनों में लिखी हुई है, सेम चीज, इसका कोई सेंस नहीं है इसको दोबारा पढ़ने का जब हम वो पढ़ चुके हैं। अगर मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड एक बार आप रीड करिए, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड,
स्क्वायर एज के केस में क्या होगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5 mm, राउंडेड के केस में 3/4 ऑफ टी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, 75% उसका ले लेते हैं हम। चले आगे, एक्सपेक्टेड डेट एसएससी की मान लीजिए एक महीने तो नहीं है, ठीक है, तो एक महीने तो आराम से मन लगा के पढ़ाई करिए। नेक्स्ट जो आता है वो आपका पूछा जाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द वेल्ड माइनस ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड के बराबर आती है। एक इस साइड से माइनस कर लीजिए, एक उस साइड से माइनस कर लीजिए, तो जितना एक्चुअल है उसमें से दो टाइम्स आपने साइज ऑफ वेल्ड माइनस कर दिया, एक ये वाला एक ये वाला। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा, जितना इफेक्टिव लेंथ है इनटू जो थ्रोट थिकनेस है, क्योंकि थ्रोट जो है वही तो एरिया है, वो ट्रांसफर करेगा शीयर को, तो वही एरिया है तो वही एरिया कंसीडर करेंगे, थ्रोट थिकनेस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एल इफेक्टिव इनटू थ्रोट थिकनेस आ गया। लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो वही जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे किस केस में हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका वेल्ड होता है फिलेट वेल्ड शीयर के लिए डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी लेंगे, शीयर स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दो एरिया को, तो जितनी उसकी क्षमता है स्ट्रेस की ले बियर करने की शीयरिंग के अंदर, उसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो कितना लोड वो शीयर के अंदर रेजिस्ट कर सकता है आ जाएगा सिंपल। पिच ऑफ द वेल्ड की बात करें तो 12T और 200 mm, और टेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो 16T और 200 सेम रहेगा एज इट इज। स्लॉट वेल्डिंग की क्या जरूरत पड़ी हमें, स्लॉट वेल्डिंग की क्या जरूरत पड़ी, What is the use of slot welding? देखो जहां भी लेंथ ऑफ द वेल्ड हमारी ज्यादा हो जाएगी, हमें ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर वेल्ड करना पड़ रहा है, लेकिन ओवरलैप हम ज्यादा करवा नहीं सकते। अब आप कोई भी दो मटेरियल जो है उनके ऊपर वेल्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर वेल्डिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे ये देखिए आप एक मटेरियल था, आपने डिजाइन किया, डिजाइन का क्वेश्चन कर आके आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि आपको लेटेस्ट से 400 mm की आपको ओवरलैप लेंथ करानी है, तो आपने कैसे किया, यहां से ये लेंथ, फिर उसके बाद ये वाली लेंथ, फिर ये वाली लेंथ आप यूज करेंगे, तो जितना भी आपको जरूरत है कि यहां यहां वेल्ड में करवा दूं, अगर वो इतनी लेंथ में सफिशियंट हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस लेंथ से ज्यादा इस प्लेट को इस प्लेट के ऊपर नहीं लाना, ओवरलैप इससे ज्यादा नहीं करवाना है, तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ गया, लेकिन आपका डिजाइन क्या बता रहा है, आपका डिजाइन ये बता रहा है कि सो एंड सो लोड लग रहा है इसके ऊपर, और ये लोड जो है इतनी लेंथ ऑफ द वेल्ड में तो कामयाब नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसका लेंथ ऑफ वेल्ड जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप इसमें क्या बना देते हैं, ऐसे स्लॉट्स बना देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ वेल्ड कर सकते हैं, यहाँ भी वेल्ड कर सकते हैं, यहाँ भी वेल्ड कर सकते हैं, यहाँ भी वेल्ड कर सकते हैं, तो नेट आपके पास ये वाले जो रीजन्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं, वो वेल्ड के लिए आपकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वेल्डिंग का एरिया कह लीजिए, लेंथ जो है वो आप बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, सो ओवरलैप लेंथ जब भी लिमिटेड हो तो स्लॉट वेल्डिंग का यूज करेंगे हम इसके अंदर। और सवाल क्या है, इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 25, जो विड्थ ऑफ स्लॉट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 25 mm एंड 3 times द थिकनेस ऑफ प्लेट, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 25 mm का या फिर 3T का, इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ लॉन्गिट्यूडिनल शियर इन फिलेट वेल्ड लोड एंड लेंथ ऑफ द वेल्ड आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे वही बातें आ गई, ये बच्चों वाली बातें हैं, लेंथ की डायरेक्शन में वेल्ड है तो लॉन्गिट्यूडिनल, इसके परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स, इफेक्टिव लेंथ पे आ जाते हैं,
ये टेबल याद करनी करनी है, एक नंबर इसमें छुपा है, आपकी मर्जी है याद करोगे या नहीं करोगे। थियोरेटिकल वैल्यूज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करेंगे, रिकमेंडेड वैल्यू आरसीसी और स्टील में यूज करेंगे, ये टेबल याद करनी ही करनी है। ठीक है, चार केस तो इसके ऐसे हैं जो याद होने ही होने चाहिए। फर्स्ट वाला केस दोनों एंड जब फिक्स्ड है, फिर उसके बाद एक हिंज है एक फिक्स है, ये आपको याद करना है। फिर उसके बाद ये दोनों, जब दोनों ही हिंज है यहाँ पे, दोनों ही जब हिंज है, ये वाला केस भी आपको याद करना है। एक एंड फिक्स है एक फ्री है, ये चार तो नींद में पूछ लिया जाए तो भी आना चाहिए आपको। इसके बाद आपके ऊपर है, आपकी हिम्मत है, ये आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं रहते हैं तो ये चार में तो ना कभी कोई कतई यहाँ पे आपको लीनियंट नहीं होना है, इसके लिए याद होने होने चाहिए। नेक्स्ट, फॉर लेस्ड कॉलम, लेसिंग जिन कॉलम्स के अंदर हमने यूज कर रखी होती है उसके अंदर वैल्यूज जो है 5% से इंक्रीज करते हैं, बैटन कॉलम के लिए हम 10% से इंक्रीज करते हैं। इफेक्टिव लेंथ इन आईएएस कोड इज स्लाइटली लार्जर देन द थियोरेटिकल वैल्यू टू अकाउंट फॉर द लैक ऑफ 100% फिक्सिटी एट सपोर्ट। तो इफेक्टिव लेंथ थियोरेटिकल से ज्यादा होती है, यहां पे आप देख सकते हैं हर एक वैल्यू के अंदर 100% फिक्स तो नहीं हो सकता कोई भी कंडीशन जो है वो। ये वाले याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये चार तो आप याद रखो। एस्टिमेशन कर रहा हो, एस्टिमेशन करवाएंगे ना, सारे सब्जेक्ट ही करवाएंगे, और अब क्या घबराने वाली बात है, अब तो एग्जाम जो है आपको थोड़ा और समय मिल गया है, और अच्छे से कर लेंगे, क्यों भागना है ना। नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कैंटिलीवर कॉलम इज, यानी कि आपको इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा। कैंटिलीवर है मतलब एक साइड से फिक्स है एक साइड से फ्री है, ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज जीरो व्हेन इट्स लेंथ इज, क्या होता है जब इसकी लेंथ चलिए स्लेंडरनेस रेशियो जीरो कब हो जाएगी, जब हर साइड से वो सपोर्टेड है। तो ये टेबल मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं दोस्त, याद करनी है। चार जो वैल्यूज मैंने आपको बताई वो तो मोस्ट है, याद करनी करनी है। इसके अलावा एक और टेबल आपके पास है, ये टेबल भी आपको याद करनी होगी। ये किसके लिए है, यहाँ पे जब आपको कैंटिलीवर बीम्स दे रखी है, प्रोजेक्टेड लेंथ दे रखी है आपको, तो इस केस में आपको टॉर्जन की कंडीशंस जो है वो गिवन है आपको। ठीक है, बिल्ट इन सपोर्ट एट फ्री एंड, तो इस केस में आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, बिल्ट इन सपोर्ट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्जन एट वन एंड बाय कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन 0.75L होती है, बिल्ट इन एट द सपोर्ट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन एट फ्री एंड 0.5L। तो इससे रिलेटेड दोस्तों एक जो है 2018 के अंदर भी सवाल था, 17 में भी पूछा गया था, तो ये एक बार आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, सेम कंडीशन आपकी यहां पे अप्लाई होती है। सिंपली सपोर्टेड के लिए भी आपको ये टेबल दे रखी है, टॉर्जन के कंडीशंस के अंदर इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको याद करनी है। ये दो टेबल जो है ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है जो आपको याद करनी है या जो आपको लगेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। The effective length of a compression member of length L held in position and restrained in direction at one end is effectively restrained in direction but not held in position on another end. मतलब एक
एक एंड आपका क्या है? दोनों एंड ये कैसे हैं? चलो कितना होगा करेक्ट आंसर इसका? वन। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा हुआ है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर ऑफ लेंथ एल हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेन डायरेक्शन एट वन एंड। पोजीशन पे एक जगह क्या कर रखा है, उसको फिक्स कर रखा है। एक जगह तो मतलब फिक्स्ड है, हेल्ड इन पोजिशन और रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन, ना तो वो इधर उधर मूव कर सकता है और पोजिशन पे भी उसको होल्ड करके रख रखा है। दूसरा केस आपको क्या दे रखा है, अनदर एंड एंड इफेक्टिवली रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन, मतलब डायरेक्शन तो उसकी वही है लेकिन पोजिशन के अकॉर्डिंगली उसको रिस्ट्रेन नहीं कर रखा है। तो एज पर द गिवन ऑप्शन आपके पास क्या करेक्ट होगा? केस फोर देखो एक बार, केस फोर को देखिए एक बार। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन क्लियर। तो थियोरेटिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए और अदरवाइज 1.2 होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है यहां पे? 1.2 ऑप्शन है नहीं तो आपके पास 1 हो जाएगा एल के बराबर। नेक्स्ट फिर से ये आ गया दोस्तों आपका कैंटिलीवर का केस, टॉर्जन का केस। तो आपको अगर ये टेबल याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप केस स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एज पर द कोडल प्रोविजन द इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ कॉलम कैंटिलीवर है, तो फिर वही आ जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा यहां पे इफेक्टिव लेंथ। स्लेंडरनेस रेशियो आप सभी को पता है दोस्तों, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। सो स्लेंडरनेस रेशियो इज इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारी टेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर शेल नॉट एक्सीड, सबसे ज्यादा ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास कितनी थी, members always under tension other than pre-tensioned member 400 थी, 400 हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट की अगर हम बात करें यहां पे, तो सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट अगर होता है तो इस केस में हम क्या लेते हैं, जिसपे दोनों केसेस पे यहां भी और यहां भी दोनों एंड्स के ऊपर क्या लगे हैं, रिवेट्स लगे हैं। इस केस में एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल होता है। इफ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट लगा होता है, एक साइड दो रिवेट लगी हैं या कहीं वेल्ड भी लगा है, तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ जो है वो 85% हो जाती है, 0.85 ऑफ लेंथ हो जाता है। स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो दोनों एंड्स पे अगर रिवेट हैं तो इस केस में परमिसिबल स्ट्रेस को 20% रिड्यूस करते हैं। अगर एक एंड पे दो रिवेट्स हैं या फिर कहीं वेल्ड भी लगा है तो इस केस में सेम रहती हैं वो। चलो ठीक है, लोकल बकलिंग की अगर बात करें, लोकल बकलिंग का मतलब क्या है, इधर वेब जो है वो बकल हो जाए, फ्लेंज बकल हो जाए या फिर दूसरा फ्लेंज बकल हो जाए, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, लोकल बकलिंग बोलते हैं। लोकल बकलिंग होने के चांसेस कब होते हैं, लोकल बकलिंग होने के चांसेस कब होते हैं, जब
width of the outstand upon thickness of flange, it should not be greater than 16 working stress method ke according, or DW upon TW, depth of the web upon thickness of the web hai, ye should not be greater than 15. और LSM के लिए ये जो वैल्यू है B upon TF should not be greater than 8.4. आगे चलेंगे लेसिंग की बात करें. लेसिंग और बैटन जो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं इनको लेसिंग कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इनको कहते हैं बैटन या टाई प्लेट कह देते हैं. इनके बारे में सवाल आते हैं, वो क्या बनते हैं सवाल. सबसे पहला सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो, जहां भी लेसिंग शब्द दिख जाए 145 आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है. 145 डिग्री मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो फॉर लेसिंग मेंबर्स. अगर आपसे पूछा जाए एंगल कितना होता है इनका वर्टिकल के साथ जो बनता है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है ये कितना होना चाहिए, 60 से लेके 90 वेल्डिंग के केस में, और 40 से लेके 70 डिग्री टू 70 डिग्री. तो नॉर्मल जो आपको वैल्यूज याद रखनी है वो ये 40 टू 70 वाली रखनी है. फिर सवाल आता है इफेक्टिव लेंथ के बारे में. लेसिंग के साथ साथ इफेक्टिव लेंथ जो है उसकी वैल्यू क्या होगी और थिकनेस की वैल्यू क्या होगी. तो अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ की दोस्तों, तो इफेक्टिव लेंथ सिंगल लेसिंग के केस में इक्वल्स टू L1. इक्वल्स टू L1 का मतलब यहाँ जो आपको दिखा रखी है जितनी लेंथ ऑफ दिस मेंबर है. अगर डबल लेसिंग आपने यूज की तो डबल लेसिंग के केस में 0.7 टाइम्स, वेल्डेड अगर आपने यूज की तो भी 0.7 टाइम्स. मिनिमम थिकनेस कितनी यूज करेंगे, अगर आपने सिंगल लेसिंग यूज की है, सिंगल लेसिंग यानी कि इस तरीके से ये जो दिखाई दे रही है सिंगल, अगर आप इसको क्रॉस करा देते तो डबल हो जाती. तो सिंगल लेसिंग के केस में थिकनेस जो है वो L1/40 और डबल के केस में L1/60. अगर हम बात करें डायामीटर ऑफ कनेक्शन या डायामीटर ऑफ रिवेट अपॉन और विड्थ ऑफ लेसिंग की बात करें, तो 16 mm का अगर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग मेंबर जो है वो 50 mm होनी चाहिए. 18 के लिए 55, 20 के लिए 60 और 22 के लिए 65. आगे बढ़े नेक्स्ट. फिर जो सवाल आता है कि कितना वर्टिकल फोर्स जो आता है आपके पास यहाँ पे. लेसिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रेजिस्ट अ ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 2.5 ऑफ कॉलम लोड. तो जितना लोड आएगा कॉलम के ऊपर वर्टिकली उसका कितना परसेंट ट्रांसवर्स शियर फोर्स की फॉर्म में आ जाएगा जिसको ये रेजिस्ट करेंगी, वो 2.5% होता है जितना कॉलम के ऊपर लोड आता है. एक बार क्वेश्चन पे देखते हैं. द थिकनेस टी ऑफ अ डबल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए. किससे कम नहीं होना चाहिए, चलिए एक बार कोडल प्रोविजन पे चलते हैं जल्दी से क्योंकि इनको भी रीड करना है. इन अ बोल्टेड और रिवेटेड कंस्ट्रक्शन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शेल बी 3 times द नॉमिनल डाया ऑफ एंड या फिर बोल्ट रिवेट जो भी होती है उसका. थिकनेस ऑफ लेसिंग बार की बात करें तो 1/40 किस केस में, सिंगल लेसिंग के केस में. 1/60 किस केस में, डबल लेसिंग के केस में. फिर आपसे पूछा जाता है लेसिंग बार्स whether in double or single system shall be inclined at an angle not less than 40 degree and not more than 70 degree to the axis of built-up member, जो vertical से angle measure करते हैं. तो आपका सवाल यहाँ पे था किससे related, thickness से related. double flat lacing दे रखी है आपको तो 1/60 correct answer हो जाएगा. next the width of the lacing bar in mm, width के बारे में अभी हमने बात की थी दोस्तों, जो आपका सबसे पहले वाला point है. in bolted or riveted construction the minimum width of lacing bar shall be 3 times the nominal dia of rivet. So 3 times the nominal dia of rivet. Next, in single laced column construction, तो 1/40 correct answer हो जाएगा आपको. फिर उसके बाद अगर हम बात करें कितना लोड आएगा ट्रांसवर्स शियर लोड, वो आता है जितना एक्सियल लोड होता है उसका 2.5%. तो बिल्कुल ये ऐसे सवाल तो आपको याद ही हो जाने चाहिए. क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट. इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेस्ड कॉलम, लेस्ड कॉलम के केस में आपको बताया 5% से इंक्रीज करते हैं जैसे ही लेसिंग शुरू किया था. सबसे पहला पॉइंट बताया था ना आपको, वही पॉइंट है, उसी को क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरीके से पूछा हुआ है आपसे. एज पर द कोड द स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट बी एक्सीड.
स्लेंडरनेस रेशियो किसके लिए पूछ रहे हैं हम? लेसिंग बार्स के लिए पूछ रहे हैं। ए की वैल्यू है 145 डिग्री, तो 145 तो ये याद रखेंगे आप। बैटन के केस में आप जो वैल्यूज पूछी जाती हैं वो पूछते हैं आपसे कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ बैटन यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। फिर उसके बाद इफेक्टिव लेंथ अगर पूछते हैं तो कितना इंक्रीज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम जो है 10% से इंक्रीज कर देते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो की बात आई तो वो भी किससे इंक्रीज हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली 10% से इंक्रीज हो जाएगी। सो स्लेंडरनेस रेशियो, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ ऊपर आता है न्यूमरेटर में इसमें, तो वो किससे इंक्रीज हो जाएगा, 10% से। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बैटन कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। नेक्स्ट, द इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी प्रेफरेबली बिटवीन कितना होना चाहिए, 40-70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ 18 mm रिवेट्स आर यूज इन लेसिंग बार्स द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी 18 mm। अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक टेबल आपको बताई थी दोस्तों, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 55 mm यूज करना होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे पहला जो दे रखा है 7.6.2 जो कोडल प्रोविजन दे रखा है आपको, उसमें क्या कह रखा है कि मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शेल बी 3 times द नॉमिनल डायामीटर, एटलीस्ट 3 times। तो 18 दिया कितना हो जाएगा, 54, तो 54 कम से कम होना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, 55 है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको वो टेबल याद है तो उस तरीके से भी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बैटन कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 10% से इंक्रीज कर देंगे, बच्चा बच्चा जानता है ऐसे आंसर, तो अब तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्लैब बेस में बात करें तो इतने भारी भरकम फॉर्मूले पूछने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि मन में ही आ जाए कि हाँ पूछ रहे हैं। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट यूज्ड इन कॉलम बेस 120 MPa होता है। आगे बात करें गजट बेस की, बात करें तो 50% जो है वो लगभग किससे ट्रांसफर होते हैं, फास्टनर से ट्रांसफर होते हैं इन केसेस में। ग्रिलेज फाउंडेशन हैवी लोड्स के केस में हम इनका यूज करते हैं। बीम्स की बात करें तो फ्लेक्जरल फार्मूला, हमारा जो सस्ता आईफोन होता है MI m/i = σ/y = E/R, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, MI m/i = σ/y = E/R। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बीम्स जो है कैसी कैसी हो सकती हैं, लेटरली सपोर्टेड लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स कौन सी होती हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछे तो अगर कंप्रेशन फ्लेंज जो है वो आपकी स्लैब के अंदर नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे, लेटरली अनसपोर्टेड। अगर अंदर कास्टेड है इसी के साथ तो इसको बोल देते हैं लेटरली सपोर्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल जो पूछता है बीम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है जो बस समझना है हमें यहाँ पे, वो क्या है कि इन द डिजाइन ऑफ बीम वी अज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ द वेब इज रेजिस्टिंग शीयर। वेब जो है वो शीयर रेजिस्ट करता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इन द डिजाइन ऑफ बीम वी अज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ वेब इज रेजिस्टिंग शीयर इज टेकन एज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। तो जो डेप्थ कंसीडर करते हैं वेब की, कि वो कौन सी डेप्थ है जो कि शीयर को रेजिस्ट कर रहा है, तो वो कौन सी डेप्थ कंसीडर करते हैं, ओवरऑल डेप्थ, पूरा इतना मानेंगे वेब को। यही चीज आपकी लिखी हुई है और ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछता है, जो शीयर स्ट्रेस आपको पता करना है, वी शीयर फोर्स जितना आया अपॉन एरिया कौन सा लेंगे, टोटल डेप्थ को कंसीडर करके इसकी थिकनेस ऑफ द वेब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछता है लोकल बकलिंग ऑफ द वेब या वेब क्रिपलिंग क्या होता है, जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड लग जाता है वहां पे क्या हो जाती है, क्रिपलिंग हो जाती है, जंक्शंस पे होता है जनरली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील आई सेक्शन अंडरगोइंग बेंडिंग अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट मेजर एक्सिस ऑफ द सेक्शन जो होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या आप ये कह लो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है वहां पे बकलिंग होगी। आगे बढ़ेंगे, वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स कहां पे, अकर होती है, क्रिपल करना बकल करना, बेसिक सा डिफरेंस इनके बीच में ये हो जाता है, क्रिपलिंग जो होती है वो कंसंट्रेटेड लोड पे होती है, वो फोल्ड हो जाता है एकदम से, वो क्या कह सकते हैं, वो फोल्ड हो जाता है एक टाइप से। और बकल के अंदर क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस के लेटरली उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है, वर्टिकल एक्सिस से लेटरल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाता है उसमें। दोनों डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से ही आपको समझ आ जाएगा, क्रिपलिंग के अंदर लगभग जंक्शंस पे होती है, कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करते हैं जहां पे वहां होती है, बकल के अंदर ये मेंबर बकल करता नजर आ रहा है आपको।
आगे बढ़े। अब इस एग्जाम की तैयारी करें या राजस्थान जेई पर शिफ्ट करें, इस एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि एसएससी के लिए आप ऑलमोस्ट चीजें पढ़ चुके हो, तो अब आप रिवीजन करोगे, अब आप क्वेश्चंस करोगे और सेम चीजें कहाँ काम आएंगी, राजस्थान जेई में काम आएंगी। तो वहां भी चीजें लगभग पैटर्न वैटर्न अब तक का थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल सा है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कौन सी बुक से इवन ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये भी चीजें बन जाती है वहां पे। तो आप अपनी प्रिपरेशन अगर एसएससी के लिए कर रहे हैं तो जेई के लिए भी, आपके राजस्थान के लिए भी हो रही है, अगर आप यूके के लिए बात कर रहे हैं वहां के लिए भी हो रही है, कोई भी स्टेट का आप कर रहे हैं सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल है। बस कुछ कुछ जो स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, कहां किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो बस उन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बाकी तो बेसिक्स तो सब में सेम है। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा जो फोकस देना होता है जिन जिन चीजों पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज एडिशनल होती है बस। ठीक है, चलें आगे बढ़े। गेंट्री गर्डर की बात करते हैं। गेंट्री गर्डर जिन दोस्तों को पता नहीं है, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे भी लार्ज स्पान में इधर से उधर लोड ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह हैवी लोड्स को ले जाना है, तो इतना तो हमारे पास एनर्जी नहीं होती कि हम इतना इतना हैवी वेट उठा के ले जाएं कहीं भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गेंट्री गर्डर्स का यूज करते हैं। एक स्टील का कॉलम बना होता है, स्टेंशन कह दीजिए उसको अंग्रेजी में आप, उसके अंदर यहाँ पे क्या लगी होती है, गेंट्री गर्डर, इसके ऊपर रेल लगी होगी, इस रेल के ऊपर ये जो आपका क्रेन ब्रिज है ये ऐसे मूव करेगा आगे पीछे, ठीक है, और इस क्रेन ब्रिज के ऊपर ऐसे इस तरीके से क्या ट्रॉली या जो क्रैब है वो इसके ऊपर मूव करेगी। तो ये ट्रॉली और क्रैब हो गया, यहाँ पे क्रेन का ब्रिज हो गया, इसके नीचे हुक लगा है, ट्रॉली के अंदर भी वेट हो सकता है, हुक पे हो सकता है, तो इस तरीके से ये लोड ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। अब कौन कौन से लोड लगेंगे, ये ग्रेविटी का लगता है, सभी को पता है कि जो भी टोटल वेट है उसकी वजह से लगेगा, डेड लोड, लाइव लोड ऑफ द वेट, क्रेन, ट्रस, एवरीथिंग। फिर उसके बाद लेटरल लोड, जब क्रैब चलेगी इस डायरेक्शन में ये क्रैब चलेगी तो चलने की वजह से और एकदम से रुकने की वजह से ये लेटरल लोड लगाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल लोड, ये जो पूरा क्रेन का ब्रिज है ये आगे आएगा, पीछे जाएगा, इस रेल के ऊपर चलेगा, इस वाली रेल के ऊपर चलेगा, तो ये आगे आएगा पीछे होगा इस तरीके से, जब चलेगा तो इसके चलने और रुकने की वजह से जो लोड लगेगा वो लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ की डायरेक्शन में, इस रेल की लेंथ की डायरेक्शन में या गेंट्री गर्डर की लेंथ की डायरेक्शन में, तो ये लोड लगते हैं। आपसे जो सवाल पूछता है वो पूछता है कि कितना इम्पैक्ट जो है वो कंसीडर करेंगे, एक तो लोड जो लग रहा है, वेट जो लग रहा है वो लग ही रहा है, इसके अलावा ट्रॉली चली, क्रैब चली, जो आपका क्रेन ब्रिज है वो चला, तो उसके कारण कितना और मैं एडिशनल लोड कंसीडर कर लूँ। सिंपल सी बात है ना, आप किसी के गाल पे ऐसे हाथ रखिए, कुछ फर्क थोड़े ना पड़ता है, वेट तो हमारे हाथ का उतना ही है, अगर आपका 2.5 किलो का हाथ है तो 2.5 किलो का ही रहेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ, इसी को थोड़ा जोर से ला के रखिए तो पता लग जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पे, इम्पैक्ट लग रहा है तो सेम चीज क्या हो रहा है, इम्पैक्ट अलाउवेंस कितना देना है आपको, कि कोई वेट है उसको आराम से रखा, या उस वेट को आप चल रहे हैं या मूवमेंट हो रही है वहां पे, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, सडन लोड जो आ रहा है वो कितना इंक्रीज करके मानेंगे हम यहाँ पे। तो वर्टिकल लोडिंग के केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर क्रेन है तो 25% जितना नॉर्मल स्टेबल कंडीशन के अंदर जो स्टैटिक लोड है उसका, मैनुअली ऑपरेटेड है ये जो क्रेन है उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए 10%। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल फोर्स की या ट्रांसवर्स टू द रेल, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड के लिए 10%, मैनुअली के लिए 5%। अलोंग द रेल, अंदर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर जो आप मानेंगे वो 5% इंक्रीज कर लेंगे। क्लियर, ये याद है सभी को? ईओसी की फुल फॉर्म क्या है? ईओसी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन। आप भी मास्क पहन लीजिए। जी बिल्कुल दोस्त, आप कहेंगे तो पहन लेंगे, लेकिन मास्क जो है ना, ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। अच्छी बात है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मास्क, अच्छा मास्क ले लीजिए, अगर आप सैनिटाइजर भी अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते। सिंपल सी बात है, हम घर में रह लेंगे भाई, साफ सफाई रख लेंगे अच्छी, लेकिन रोज रोज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई हम हर फैमिली मेंबर को सैनिटाइजर ला दें, तो इस केस में दोस्त आप सोप जो है उसका भी यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल आप अपनी अलग से सोप यूज कर लीजिए, सब लोग कॉमन सोप मत यूज करिए, उसके टुकड़े कर लो और नहीं तो वो यूज कर लो आप। मास्क जो है, मास्क पहनने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप सेफ हो गए हैं। मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस में गए मास्क पहन के, तो तब तक तो आप सेफ हैं, लेकिन आपने मास्क को उतारा कैसे, ठीक है, आप मास्क जो है, मान लीजिए मास्क के ऊपर कोई वायरस आ गया, ठीक है, मास्क के ऊपर आ गया, अभी तक तो सेफ हो, वो आपके अंदर नहीं गया, लेकिन जैसे ही आपने मास्क को उतारा ऐसे करके, तो वो क्या हो गया, आपके हाथ पे आ गया, फिर उसके बाद आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे, कैसे भी आ जाओगे। तो मास्क जो है उसको भी आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हो, वो कितना स्टेरिलाइज रह सकता है,
फिर आप उसको कैसे उतार रहे हो, जैसे जो डॉक्टर्स ग्लव्स अगर यूज करते हैं तो आप डॉक्टर्स को ध्यान से देखना, डॉक्टर कभी भी ग्लव को ऐसे नहीं यूज करेगा, दोनों ग्लव्स अगर पहन रखे हैं उसने तो ऊपर वाले ग्लव्स को तो वो ऊपर से पकड़ेगा, ये वाला हट गया, अब उसका ये हैंड जो है वो बेयर हो गया, ठीक है, क्लीन हो गया, अब इसको वो अंदर से हटाएगा, अंदर से इसको ग्लव्स को ऐसे हटाएगा, किसी भी वे में वो क्या करते हैं, जो इनर वाला सरफेस है जो कि हमारे से एक्सपोज था, मतलब वो सेफ वाला सरफेस है, उसको जो आउटर सरफेस है जो इन्फेक्टेड वाला उसके टच में नहीं आने देते। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे सेम मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से यहाँ से उतार के रखिए, उसको ऐसे रख दीजिए घर आने के बाद कि आप उसके आउटर पार्ट को ज़्यादा टच नहीं कर रहे हैं, या अलग से उसको रख दीजिए। चलिए, बहुत एक्सपेंसिव है ये तो, हाँ तो बस बढ़िया, आपने घर पे रहो, ठंडा पानी पियो, मस्त मजे करो, जरूरी थोड़ी है सब कुछ, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर सैनिटाइजर अफोर्ड कर सकते हो, सैनिटाइजर में भी तो कितने घपले हो रहे हैं, कितने कुछ भी सैनिटाइजर आ रहे हैं, हर्बल सैनिटाइजर, पता नहीं कौन कौन से सैनिटाइजर, वो इफेक्टिव है भी या नहीं है, हमारा पर्पज कुछ है बस, हर कुछ मतलब ट्रेंडिंग लगा के ऑर्गेनिक सैनिटाइजर। ठीक है, आप जो हैंकी यूज करते हैं ना, हम बहुत लोग क्या करते हैं, ये कॉमन हैबिट होती है हमारी, आंख में कुछ गिर गया तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम फटाफट ना रुमाल निकालते हैं और उससे ऐसे क्लीन करने लग जाते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक होता है। आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे, हाथ धोए, उसके बाद क्या यूज किया, हैंकी यूज कर लिया, फिर उससे आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए गर्मी का टाइम है, पसीना आया, हैंकी यूज कर लिया, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड तो वही चीज है जिसको आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके आंख में कुछ भी गिर गया या चोट लग गई तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैंकी का यूज करते हैं, तो ये जो रहती है सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होती है, तो कभी नहीं यूज करनी चाहिए हैंकी को। तो चलिए, परमिसिबल स्ट्रेस इन गैंट्री गर्डर, मतलब कभी नहीं यूज करनी चाहिए का मतलब है कि जब भी क्लीनलीनेस या इन्फेक्शन की बात है तब मत यूज करो, वैसे तो यूज करनी चाहिए। फॉर मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको रीड मार लीजिए आप, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। पतंजलि सैनिटाइजर और पता नहीं क्या क्या आएंगे, कौन कौन से सैनिटाइजर आएंगे, आप रुको तो सही, अभी तो मतलब देखते जाओ, ये चीजें जब होती है ना, ऐसा कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत लोग होते हैं फायदा उठाने वाले, तो उस टाइम में हमें हमारा दिमाग यूज करना होता है, बहुत लोग होते हैं जैसे ही जैसे त्योहार का फेस्टिवल्स का जो टाइम आता है उसमें बहुत लोग होते हैं ना, फर्जी मिठाइयां बनाते हैं, फर्जी कुछ भी उसमें मिला के बना रहे हैं, तो वही सारी चीजें होती हैं। अब ऐसा टाइम आएगा तो इसमें बहुत सारे सेल्फिश लोग भी होंगे जो इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे, या वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मास्क की फॉर्म में, सैनिटाइजर की फॉर्म में, या फिर ये रूमर्स फैला के कि हाँ सबको स्टॉक कर लो ताकि हर चीज के प्राइस बढ़ जाए, उन्होंने खुद स्टॉक कर रखा होगा, बाद में बेचेंगे महंगे प्राइस पे उसको, तो ये सब कुछ मेन लोगों की आदत होती है यार, किसी को शोभा नहीं देता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गैंट्री गर्डर्स, क्या करेक्ट है इन सभी में से, इम्पैक्ट लोड उसके ऊपर आता है, ये सही बात है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर नॉट कंसीडर्ड, विंड लोड जो है कंसीडर नहीं करते हैं हम इनमें से गैंट्री गर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गैंट्री गर्डर्स गिविंग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ईओसी ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन है, द लेटरल फोर्सेज आर इंक्रीज्ड बाय, कितने से इंक्रीज करते हैं लेटरल फोर्सेज को, जल्दी से बता दीजिए। नींद तो नहीं आ रही किसी को, प्लास्टिक एनालिसिस अभी गेट के लिए शुरू करेंगे ना, तब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे उसको। चले नेक्स्ट, तो 63 का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए, 10% ऑफ द वेट ऑफ क्रैब एंड वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन। फॉर गैंट्री गर्डर्स कैरिंग हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स, हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे हैंड ऑपरेटेड के लिए भी, मैनुअली ऑपरेटेड मतलब वर्टिकल फोर्स का आपसे पूछा हुआ था, वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस के केस में 10%। नेक्स्ट, द मैक्सिमम व्हील लोड इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्रेन और क्रैब क्या होती है, क्लोज होती है, फार होती है, कब सबसे ज्यादा वेट व्हील लोड आता है,
नींद आती है पर सोने का नहीं, अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड ऑफ द गर्डर इज मैक्सिमम एट बेंडिंग मोमेंट, सबसे ज्यादा कहां पे होगा? सेंटर पे आता है, सेंटर ऑफ द स्पान. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट गर्डर. प्लेट गर्डर के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, अलग अलग मेंबर्स को, एंगल्स को, प्लेट्स को यूज करके हम एक बिल्टअप सेक्शन बना लेते हैं, प्लेट गर्डर बना लेते हैं. जो हमारे मार्केट में अवेलेबल जो गर्डर्स होती हैं, जब वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से प्लेट गर्डर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इनमें हमारा जो सवाल बनता है वो बनता है आपके वेब इक्विवेलेंट से, ठीक है. सो वेब इक्विवेलेंट क्या होता है? वेब का कितना एरिया एम्बेड किया हुआ है फ्लेंज के अंदर यहाँ पे, ठीक है. तो इस वेब इक्विवेलेंट की बात हो रही है यहाँ पे. एरिया ऑफ वेब बाय 6 लेते हैं, किस केस में? कंप्रेशन जोन में. एरिया ऑफ वेब बाय 8 लेते हैं, टेंशन जोन के अंदर. ये आपको याद रखना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो आता है आपसे पूछ लेता है सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट गर्डर, तो वो कितना लेते हैं WSM के अकॉर्डिंग? W/300 या फिर 1.5W/300 लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग. ये एक ऑब्जेक्टिव में सवाल इसमें से बनता है. विड्थ ऑफ द आउटस्टैंड बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 250 थिकनेस ऑफ फ्लेंज अपॉन √FY. विड्थ ऑफ आउटस्टैंड टेंशन जोन के अंदर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लेंज. ये चीजें तो कम पूछता है, ऐसी चीजें पूछ लेता है. सेल्फ वेट आपसे पूछ लेगा जो थोड़ा ठीक ठाक हो जेई लेवल के हिसाब से. फिर ये जो आपको यहाँ पे चार पांच रेशोज याद करने हैं, अगर D1/TW आपको क्या बता रखा है, ये क्लियर डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब जो है लेस देन 85 है, तो वेब बकलिंग जो है वो होगी ही नहीं, तो आपको स्टिफनर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. अगर ग्रेटर देन 85 है ये रेशो, तो वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको. अगर ग्रेटर देन 200 है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 250 है तो कुछ और एडिशनल प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और अगर ग्रेटर देन 400 है तो सेक्शन ही रिडिजाइन कर लो. तो ये पांचों जो आपके रेशोज हैं ये आप याद कर लेना. नेक्स्ट अगर बात करें प्लेट गर्डर को कहाँ पे यूज करेंगे, जब स्पान लार्ज होता है, लोड्स हैवी होते हैं. वाई प्लेट गर्डर इज प्रेफर्ड ओवर ट्रस गर्डर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेब्रिकेशन ट्रस गर्डर का जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकल इफ डेप्थ इज लिमिटेड एंड लोड्स आर टू लार्ज, जब लोड ज्यादा हो, डेप्थ आपके पास लिमिटेड हो, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं? वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. द मोड ऑफ फेलियर ऑफ प्लेट गर्डर किस किस मोड में हो सकती है? यील्डिंग ऑफ टेंशन फ्लेंज एंड बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज. जो कंप्रेशन वाला फ्लेंज है वो तो बकल कर जाएगा, टेंशन वाला यील्ड कर जाएगा. Which of the following causes web buckling in plate girder? Web buckling किसके कारण होती है? Diagonal compression के कारण होती है. In a plate girder, the vertical stiffeners are provided when the ratio of clear depth to the thickness of the web exceeds 85. पहला पॉइंट ही हमारा था जब हम रेशियोज की बात कर रहे थे. फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू IS 800 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील प्लेट्स, कितना आती है ये बेंडिंग स्ट्रेस? अगर आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस या फिर बियरिंग स्ट्रेस, तो 0.75 FY के बराबर होता है. तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट नियर टू 1890. अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, एक्सियल ए फॉर एक्सियल, तो आपका सबसे पहले वैल्यू आएगी 0.6 वाली, बेंडिंग का पूछता तो 0.66 आता. नेक्स्ट, अ वेब प्लेट इज कॉल्ड अनस्टिफन, यानी कि स्टिफनर का इस्तेमाल नहीं किया है. तो पहला ही केस था 85 वाला जिसके अंदर हम क्या बोल रहे थे कि स्टिफनर का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, बियरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड एट, बियरिंग स्टिफनर को हम प्रोवाइड करते हैं, बियरिंग मतलब एक टाइप से एंड टू एंड जो लोड ट्रांसफर कर रहा है सपोर्ट्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस प्लेट गर्डर के अंदर. नेक्स्ट, द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैट शुड बी, कितना होना चाहिए? तो वेब स्टिफनर का 256T/FY से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 12T फ्लैट्स के लिए. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गर्डर, कब जरूरत पड़ती है हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स की? जब डेप्थ अपॉन 200 वैल्यू जो है, इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन डेप्थ बाय 200. बियरिंग स्टिफनर्स को डिजाइन किस हिसाब से करते हैं? कॉलम की तरह डिजाइन करते हैं, एज ये कह लीजिए वहां पे कंप्रेशन में जो लोड ट्रांसफर होता है, तो कॉलम्स की तरह इसको हम डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज टू, क्या पर्पज होता है? बकलिंग उनकी ना हो, वेब प्लेट की बकलिंग ना हो, लोकल बकलिंग ना हो, उसको हटाने के लिए यहाँ पे. नेक्स्ट बात करें वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे
डायमेंशंस दे रखी हैं, इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि स्टिफनर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो डेप्थ ऑफ वेब अपॉन थिकनेस ऑफ वेब का फॉर्मूला लगा लीजिए। डेप्थ ऑफ वेब आपको कितनी दे रखी है 1000, थिकनेस ऑफ वेब आपके पास कितनी है 6, तो 1000 बाय 6 आप डिवाइड कर लीजिए और ये रेशो देख लीजिए किसके बीच में आ रही है। इस रेशो को देख लीजिए, 1000 बाय 6 कितना आ जाएगा, ये 166 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 85 और 200 के बीच में है। तो उस केस में कौन सा प्रोवाइड करेंगे हम, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू, फ्लेंज वाली जो स्प्लाइस होती है उस पर क्या आता है, एक्सियल फोर्स आता है फ्लेंज स्प्लाइस जो होती है प्लेट गर्डर पे। द वेब स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू, वेब वाली जो स्प्लाइस होती है उस पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों आता है। नेक्स्ट, वॉट विल हैपन वेन डी अपॉन टी डब्ल्यू इज सफिशियंटली लो, जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगी ये वैल्यू, डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हम जो ये रेशो का यूज कर रहे थे डेप्थ ऑफ वेब अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, ये हम यूज कर रहे थे बकलिंग क्राइटेरिया के लिए। तो ये जब रेशो बहुत कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, बकलिंग तो होगी नहीं, तो पहले कैसे फेल हो जाएगा वेब, किस में फेल हो जाएगा, यील्ड में फेल हो जाएगा। तो वेब विल यील्ड बिफोर बकलिंग। नेक्स्ट, टेंशन मेंबर पे आ जाते हैं। टेंशन मेंबर और टाई मेंबर्स, इनमें जो सवाल आता है वो पूछता है व्हाट इज शियर लैग। यहाँ पे दोस्त इसको करेक्ट कर लेना, ये एल ई जी नहीं है, ये एल ए जी है। व्हाट इज शियर लैग, शियर लैग क्या होता है, शियर लैग क्या होता है, जब भी आप किसी मेंबर के ऊपर फोर्स लगाई आपने और उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो रही है, इसको इंक्रीज किया तो ऐसे ही इसकी स्ट्रेन होना चाहिए था, लेकिन हो कैसे गया स्ट्रेन, इस डायरेक्शन में ऐसे इंक्रीज हो गया। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो रही है तो हम बोल देते हैं क्या हो रहा है, शियर लैग हो रहा है। तो शियर लैग जो है उसके कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें, अगर शियर लैग को रिड्यूस करना है तो लेंथनिंग ऑफ द कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर कनेक्शन की लेंथ बढ़ा रहे हैं आप तो एफिशिएंसी उससे रिड्यूस हो जाती है। तो क्या करें हम लगाते हैं यहाँ पे क्या, लग एंगल। लग एंगल लगाने से हमें क्या फायदा हो जाएगा, ये हमारे पास एक एंगल ऑलरेडी था, इस एंगल के ऊपर हमने लग एंगल लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ यहाँ पे जो शियर लैग है वो रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लेंथ ऑफ द मेंबर हमें बढ़ानी नहीं पड़ती यहाँ पे लग एंगल की हेल्प से। तो शियर लैग रिड्यूस हो जाता है और क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्प्लाइस का क्या काम होता है, जब भी आप मेंबर्स की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो आप स्प्लाइसिस का यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करें कॉलम स्प्लाइस तो उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए कॉलम स्प्लाइस, अब ये इस वेब पे भी लग सकती है, फ्लेंज पे भी लग सकती है। फ्लेंज वाले पार्ट पे लगी तो क्या हो जाएगी, फ्लेंज स्प्लाइस। अगर वेब वाले पार्ट पे लगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, वेब स्प्लाइस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट्स हैं, एज पर आई एस 800 माइल्ड स्टील जो है उसके लिए प्रोपोर्शनल लिमिट कितनी, यील्ड जो आपकी होती है 190 से 220, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, आप 250 लेते हैं या फिर 250 बोलते हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 से 530 के बीच में वैरी करती है। फ्रैक्चर वाली जो होती है 250 से 300। इलोंगेशन 23 से लेकर 35% मिलता है। बेयरिंग स्ट्रेस कितना लेते हैं, 75% ऑफ यील्ड स्ट्रेस लेते हैं। अरे नींद तो नहीं आ रही किसी को, बताओ जल्दी से, किसी को आ रही है तो जल्दी से पानी वानी पियो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, लग तो नहीं रहा किसी को आ रही होगी। रूफ ट्रस की बात करें, रूफ ट्रस में आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछता है, पर्लिन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रसेस, एक ट्रस ये, दूसरा ट्रस ये, तीसरा ये, इस तरीके से ये ट्रस लगते जा रहे हैं। पर्लिन क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पान कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एपेक्स, तो हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद आप बात करें तो बियरिंग क्या होता है, तो बियरिंग का मतलब जो वॉल होती है या फिर जहां से लोड ट्रांसफर हो रहा है, ये बियरिंग प्लेट जहां से सारा लोड इस पे आ रहा है वो क्या हो गया, बियरिंग हो गया। फिर उसके बाद बॉटम कॉर्ड्स आ जाती हैं जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही हैं। फिर कैंटिलीवर पार्ट, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स सपोर्ट, सपोर्ट से जितना एक्सटेंडेड है। फिर आ जाता है ओवरहैंग वाला पार्ट, उधर भी वो प्लम कट भी हो सकता है, स्क्वायर भी, प्लम मतलब आपने ऐसे काट दिया, स्क्वायर मतलब इस मेंबर के 90 डिग्री पे आप काटते जब इसको, ठीक है। तो प्लम कट एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको
और क्लियरली देखना है। तो प्लम कट मतलब आपने इसको ऐसे कट कर दिया, अगर इस मेंबर के परपेंडिकुलर ऐसे काटते तो क्या हो जाता, स्क्वायर। फिर पैनल आ जाता है, ट्रस सेगमेंट डिफाइंड बाय टू एडजेसेंट जॉइंट्स और नोड्स, दो जॉइंट्स और नोड्स के बीच में जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, पैनल कहलाता है। फिर उसके बाद आया प्लम कट, आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट आता है स्क्वायर कट, स्क्वायर कट जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये हो गया प्लम, ये हो गया स्क्वायर कट। फिर टॉप कोर्ड और राफ्टर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट एस्टेब्लिश द अपर एज ऑफ अ ट्रस, ऊपर वाली एज जो है राफ्टर, राफ्टर परलिन, ये दो तीन तो मेनली पूछ ही लेता है किसी ना किसी एग्जाम में। स्टब एंड क्या होता है, अ ट्रस टाइप फॉर्म्ड बाय अ ट्रंकेशन ऑफ अ नॉर्मल ट्रस, किसी ट्रस का कोई पार्ट आपने हटा दिया, जैसे इतना पार्ट आपने ट्रंकेट कर दिया तो ये क्या हो गया यहाँ पे, स्टब एंड कहलाएगा। फिर क्या क्या टाइप के रूफ ट्रस हो सकते हैं, कुछ ये हैं जो आप अपने बलबूते पर पढ़ सकते हैं जितना आपकी हिम्मत हो, क्योंकि एज सच इनसे कोई खास मिलता नहीं है। अगर क्वेश्चन मिल जाए तो लिख दीजिए, नहीं तो इनको अगर आप चाहें तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस पे पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, रेयरली कोई क्वेश्चन आएगा कहीं पे। डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस से स्लोप का पूछ सकता है आपसे, पिच पूछ लेता है अक्सर, पिच क्या होता है, एच अपॉन एल, जितना राइज होता है अपॉन स्पान, राइज अपॉन स्पान जो होता है पिच होता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, व्हाट इज पिच ऑफ अ ट्रस, तो राइज अपॉन स्पान आप बोलेंगे, इट इज पिच ऑफ ट्रस। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ परलिन्स एंड कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। फिर उसके बाद आपसे एंगल अगर आपसे पूछा जाएगा, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टोस शीट शुड नॉट बी लेस देन, किस से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए फास्ट ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए। द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द परलिन्स, परलिन को सपोर्ट करने वाला क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ गेंट्री गर्डर, ये तो हम ऑलरेडी, ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया बीच में। एंगल सेक्शन को परलिन के लिए कब यूज कर सकते हैं, स्लोप जो रूफ ट्रस का लेस देन 30 डिग्री हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ अ पिच्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरली रेजिस्ट लेटरल लोड्स, तो परलिन्स जो होते हैं वो लेटरल लोड को रेजिस्ट करते हैं। फिर इसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग्स के अंदर हॉरिजॉन्टल बीम्स जो होती हैं कॉलम्स और वॉल्स के बीच में, उनको क्या कहते हैं, बिटवीन द वॉल कॉलम सपोर्टिंग अ वॉल कवरिंग, क्या कहते हैं उनको। पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा आज दोस्त में, चलो ठीक है घर जाके देखते हैं कैसा माहौल होता है, तो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, SSRJYANI ये चैनल का नाम है, या फिर आप सर्च करेंगे चैनल का नाम तो वहां पे आपको संदीप जानी मिल जाएगा, तो ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी, और ये वाली भी, और जो आपकी, हाँ मुझे पता है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 की भी मैंने अभी तक नहीं अपलोड कर रखी है, तो वो भी कल मोस्ट प्रोबेबली, कल तो मैं कर ही दूंगा, ये दोनों वेरीफाई करके ये अपलोड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, गर्ड्स देख सकते हैं आप इसमें, वॉल गर्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंबर। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट बेंट्स इन द ट्रस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, ये बे स्पेसिंग हो गई, इन बेज के बीच में स्पेस है तो बे कह देंगे इसको, ठीक है। फिर आ जाता है प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस में दोस्तों बस ये शेप फैक्टर्स याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा अगर डिटेल में आपको चाहिए होगा तो आप देख लेना, ठीक है। तो जब प्लास्टिक एनालिसिस अभी गेट के लिए और इनके लिए पढ़ेंगे तब हम और देख लेंगे, है कि नहीं बताइए। अब एक चीज ईमानदारी से बता दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं कि हाँ मतलब इस बार एग्जाम क्लियर करना है, या फिर एग्जाम नहीं तो मतलब अपना 100% देना है, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। बताइए जल्दी से,
पढ़ रहे हैं आप, रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी एक सिंपल सी बात है, ठीक है, लास्ट में पढ़ पढ़ा के सब लोगों ने क्या करना होता है वो मुझे भी पता है, तो इधर उधर की बातों पे आप ना ही पढ़ा करें, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं अपने टेक्निकल की बात कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, थ्रू आउट द यूट्यूब, थ्रू आउट द ऑनलाइन सेगमेंट, कहीं भी कोई भी कुछ भी बोले दोस्त, इन बातों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं होता है। आपको किससे मतलब होता है? अपनी पढ़ाई से। मुझे किससे मतलब है? मेरे पढ़ाने से, ठीक है। जो कमियाँ हैं वो इम्प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है। और आप लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, ठीक है, सीधी सी बात। और बाकी एक चीज़ तो मुझे भी पता ही है, क्या होगा वो, हाँ, एग्जाम एग्जाम सब क्लियर कर लेंगे आप, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बस लास्ट में ऐसा मत करना, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आप अपना 100% दे रहे हैं तो बेस्ट है, बिल्कुल बढ़िया है। चले, तो लास्ट में बच्चे तो वही करते हैं जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या फर्क पड़ता है किसने क्या बोला, किसने क्या किया, अल्टीमेटली द थिंग इज जहां हमारा फायदा हो रहा है वहां से पढ़ो, जहां नहीं हो रहा बस जाने दो, सिंपल, ठीक है। तो बस टेंशन मत लिया करो इन चीजों की। और मेन बात यह है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो ये आपका ये पॉइंट आता है कि आपको अपनी पढ़ाई इफेक्ट नहीं करनी है। अगर आप अनअकैडमी पे आप पढ़ सकते हैं, 20,000 फ्री लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे पढ़िए, यहाँ पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर भटको मत, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ते रहें। अपने को क्या देखना है, कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई टीचर कितना ही बेकार पढ़ाए, कोई कितना ही अच्छा पढ़ाए, आपको अगर कोई पार्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ मुझे सही दिख रही है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, सिंपल। हमें अल्टीमेटली अपनी ग्रोथ करनी है, कैसे भी ग्रोथ करो, आप कैसे भी सीखो, कहीं से भी सीखो, किसी से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर टीचर अपना बेस्ट देता है, हर टीचर अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप लोग ना, जो मैं जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ना, कि ये चाहे तो आप देख ले होंगे, आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ मिलती होंगी कि मिस्टर ए सेड अबाउट मिस्टर बी, उन्होंने ऐसा बोला, फिर एक वीडियो आती है हमारे बारे में, ऐसा बोला तुमने, ऐसा बोला, कोई सेंस नहीं है इन चीजों का, कोई सेंस नहीं है। अपना मस्त पढ़ाई करो, मस्त पढ़ो, जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, जो बेस्ट दे रहा है, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, आपको जिसका बेस्ट अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ लीजिए, सिंपल एज दैट, है ना। और इससे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ना, इधर उधर के बहकावों से इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्राइम गोल क्या है, उस पर फोकस करो, ठीक है। जैसे मैंने कोचिंग का बता दिया, कोचिंग की क्लास में बैठे होते हैं, आधा ध्यान तो यहाँ होता है कि भाई यहाँ आज मास्टर जी ने कौन से कपड़े पहने, कौन से ब्रांड के पहनते हैं, इनके पास फोन कौन सा है, इनका घर कहाँ पे, इनका घर कैसा है, ये सारी चीजों पर ध्यान रहता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपका अटैचमेंट है तो इट्स गुड, ठीक है, ये टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट इतना आपको मतलब एडमायर कर रहा है, तो दैट इज गुड। लेकिन वो चीज ना आपको आपके करियर को, आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप जो आपको कौन काम आएगा, आप खुद काम आओगे, टीचर की सिर्फ गाइडेंस और जो भी वो हेल्प कर सकता है उतना आ जाएगा, लेकिन आपका करियर जो डिसाइड होता है ना, वो आपसे डिसाइड होता है दोस्त, आपको मेहनत करनी है उसके लिए। तो आप खुश हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, या फिर एक आपको सेंस ऑफ मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ मुझे भी ऐसा एक दिन बनना है, लेकिन उसके लिए ना हमें ही एफर्ट करने पड़ेंगे। और उस एफर्ट करने के लिए आप किसी को एनवी मत करिए, आप किसी से जेलस मत होइए कि हाँ ये इंसान ऐसा, ये इंसान मैं ऐसा क्यों नहीं, या मैं ऐसा कैसे बन जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, आज आप जैसे हैं उससे आप थोड़ा बेटर हो जाइए, तो आपको चीज़ें जो है वो सारी अच्छी लगती जाएंगी, सब अपने आप इम्प्रूव होता रहेगा। एक बार वार्तालाप आपके बारे में करेंगे आराम से, जब कभी आप आओगे बैठेंगे करेंगे आराम से, आप आओ मिलने फिर बात करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त रहो, मस्त पढ़ाई करो, कोरोना वायरस है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें भी मैं पॉलिटिक्स का नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई मोदी जी ने कहा तो मोदी वाले भक्त हो गए, वो भक्त हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपन है न्यूट्रल, जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि 22 मार्च को संडे को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें यहाँ पे यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं कि किस पार्टी ने बोला या कैसे बोला, यहाँ हमारा मेन सेंस इतना है कि हम एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस फैला
चला रहे हैं इस चीज के लिए, इसमें घबराने की भी बात नहीं है। इसमें आपको अलर्ट जरूर रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन इसमें घबराने की बात भी नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। होगा क्या, अभी हम सेफ हैं और अगर अब हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हम नहीं होंगे इन्फेक्टेड, सिंपल सी बात है। और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है, भगवान ना करे, कि हम इन्फेक्टेड हो जाएं। तो आपको बस क्या करना है, र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है कि भाई स्टॉक कर लो, सब कुछ ऐसे कर लो, इससे बहुत प्रॉब्लम्स रेज हो जाएंगी, हम और सिचुएशन को वर्स कर देंगे। इसीलिए बस ऐसी र्यूमर्स पे ध्यान ना दे, बाकी अच्छा खाओ पियो, मस्त अपने घर पे आराम से एंजॉय करो, चीजों के पॉजिटिव साइड्स भी देखो, चीजों के पॉजिटिव साइड भी देखो कि मतलब कितना कम हो पाता है जब हम हमारी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, कितना कम टाइम हम, मतलब आप याद करो कब बचपन के दिन आपके थे, उन बचपन के दिनों से लेके आज तक कितना ही टाइम ऐसा आया जब हम हमारी फैमिली के साथ कितने दिन बैठे होंगे आराम से, कब ऐसा हुआ होगा कि चलो ठीक है आप होली दिवाली कभी छुट्टियों पे चले भी गए तो भी एक आध भाई बहन आपका ऐसा होता है जो बाहर रह रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, घर नहीं आया होता, या सारे फैमिली मेंबर घर के अंदर नहीं होते हैं। तो इन चीजों की पॉजिटिविटी को भी तो एंजॉय करो ना, अगर आपको घर के अंदर रहना है तो इट इज योर फैमिली टाइम दिस टाइम नाउ, इट इज टाइम व्हेन यू कैन स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ योर फैमिली। आप आराम से उनके साथ एंजॉय करिए, उनको फील करवाइए कि हाँ मतलब हम मतलब बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो भी आपकी फैमिली की सिचुएशन है, जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील कर सकते हैं। चीजों के बारे में बात करिए, अपने बारे में बात करिए, आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं उनके बारे में बात करिए, अपने पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करिए कि हाँ मतलब मेरे अंदर ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे अंदर ना ये चीजें हैं जो मुझे लगता है मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। दे आर नॉट नेगेटिव्स, दे आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन इंप्रूव। ठीक है, तो जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है उसके ऊपर आप वर्क करिए कि हाँ मतलब कैसे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बताएं, भाई बहन को बताएं। तो ये जो टाइम है ना इसको आप एक पॉजिटिव टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रादर देन कि जस्ट एक अनरेस्ट फैलाने के या परेशान होने के कि इस समय में क्या किया जाए। और बाकी पढ़ाई की तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, पढ़ाई आप आराम से ऑनलाइन कर ही सकते हैं, वाईफाई स्टडी आपको करवा ही रहा है। ठीक है, कब तक होगा एग्जाम, एक दो मतलब महीने लग जाएंगे, एक महीना मान लीजिए, अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा फिर बोलोगे सर आपने तो बोला था ऐसा, तो उसके लिए कोई बात नहीं, एक महीना तो मान के ही चलो, एक महीने तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमें सिचुएशन का ही नहीं पता। दोस्तों ये सिचुएशन ऐसी है जो हो सकता है, भगवान ना करे, वर्स भी हो सकती है कि अगर अगर प्रॉपरली हमने ध्यान नहीं रखा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, हम लोग ही हैं। अब ये सिचुएशन कितनी आगे कैसे जाएगी हम पे डिपेंड करती है। अगर हम प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम पब्लिक प्लेसेस में जाते रहेंगे, अगर हम मेट्रो में क्राउडेड प्लेसेस में कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, तो हम खुद एक एजेंट बन जाएंगे उस वायरस को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो हम खुद रिस्क प्रोन हो जाएंगे और दूसरों को भी रिस्की कर देंगे। फिर हम घर पर आएंगे तो अपने घर वालों के लिए हम खुद एक थ्रेट बन जाएंगे। तो इसीलिए अवॉइड करें जितना हो सकता है बाहर जाना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम की तो बात है नहीं। और आज का टाइम ये भी नहीं है कि आपके पास घर पे कोई फैसिलिटी नहीं है, घर पड़े पड़े बोर हो जाओगे। टीवी है आपके पास, इंटरनेट है सबसे बड़ी ऑप्शन, ये एंटरटेनमेंट की आपको कहीं कोई कमी नहीं है। और आज के टाइम मैं तो यही कहूंगा कि आप जो ये फेक एंटरटेनमेंट या जो ये वर्चुअल एंटरटेनमेंट है ना जो आपके मोबाइल फोन का है, उससे बाहर निकल के इस टाइम आप अपने फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेशियस रहेगा एज ऑफ नाउ। दैट वुड आई सजेस्ट समथिंग, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहाँ पे हैं, आपको जैसे भी जो भी प्रॉब्लम अगर आप लगे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम के थ्रू, एफबी के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जैसे भी आप करें, तो यू कैन कॉन्टेक्ट एंड आस्क योर क्वेरीज और डाउट्स। थोड़ा सा दोस्त मतलब ऐसा होता है मेरे पास जो अनअकैडमी के कम से कम दिन में 300-400 मैसेजेस आते हैं, इतनी क्लासेस होती है, सभी का आता है वो आते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप्स के आते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत आते हैं। तो ये हो सकता है रिप्लाई में टाइम लग जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मैं क्लास में 10 बार बोल चुका हूँ वो चीज़ अगर आप सेम रिपीटेड पूछेंगे तो हो सकता है वहाँ पे रिप्लाई आपको ना मिले। लेकिन इसके अलावा जहाँ भी पॉसिबल हो पाएगा मैं पूरा कोशिश करूँगा, जो भी आपके क्वेरीज, डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर कर सकते हैं ऑलवेज। ठीक है, चलिए, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद मुकेश जी। और हाँ, सबसे बड़ी बात सुन लो, जो लोग जग गए नहीं अभी तक वो सुन लो कि यू पीपल आर वेरी ग्रेट, आप स्कॉलर्स हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, रात के 1 बजे भी आप अगर यहाँ पे खड़े हैं और अभी भी क्लास देख रहे हैं, क्लास खत्म हुए 5 मिनट हो गए। ठीक है, मैं लास्ट वाला टाइम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस टाइम अगर किसी को सोना है आप सोइए आराम से, सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों आप सब बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। जब तक आप सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आज के दिन को देखो ना, आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें रही होगी। सोने से पहले 5 मिनट सोच लिया करें थोड़ा सा, आज के दिन में मैंने क्या किया, आज के दिन में मैंने ये किया, और कुछ भी नहीं याद आ रहा है ना अगर, तो अब बस इतना याद कर लो कि आज के दिन में मैंने रात को 1 बजे तक बैठ के मैंने क्लास ली थी। तो एक पॉजिटिव चीज़ भी अगर हमारे पास होगी तो उसको अगर हम लेके सोएंगे ना तो वो हमें
नेक्स्ट डे जब हम उठेंगे तो हमें अच्छा फील करवाएगी और हमें ये फील करवाएगी कि हाँ आज मुझे और वर्क करना है। अगर आप ये वाले टारगेट सेट करेंगे ना, आज 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कल 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो हर दिन वाले 4 घंटे ना आपको बोझ लगेंगे। इसके बजाय आप खुद की जो पिछले दिन की अचीवमेंट है उसको देखो और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टारगेट आप रखो कि बस लास्ट कल मेरा इतना था, आज मैं इससे थोड़ा ऐसे इंप्रूव कर लूंगा। तो वो चीज़ें आपको अपने आप आगे खींचती हुई चली जाएंगी, अपने आप आपको आगे फर्दर पुश करेंगी कि आप और अच्छे से इंप्रूव करें, रादर देन कि कोई और आपको टारगेट सेट करके दे कि सी मिस्टर एक्स वाई जेड इसने ये टॉप किया, इसने ये सी टॉप किया, इसने ये किया वो किया, तो उनकी मोटिवेशन देख के कुछ नहीं होता। उनके मोटिवेशन देख के बस 2-4 मिनट हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कर लिया, लेकिन उनसे क्या होते हैं कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स होते हैं उनकी लाइफ के, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती है बस जिनसे आप सीख सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ऐसे टैकल कर सकता हूँ, या उस बंदे ने यहाँ पे ऐसे हिम्मत दिखाई मैं भी दिखा सकता हूँ। बस ये चीजें सीखने वाली होती हैं। बाकी आपके सर्कमस्टांसिस क्या है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी फैमिली की क्या बाउंडेशंस हैं, कितनी लिमिटेशंस हैं, आप फाइनेंशियली बात कर लीजिए या कैसे भी बात कर लीजिए, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता है, ठीक है। ये हर किसी को नहीं पता, हर किसी का मोटिवेशन आपकी लाइफ के ऊपर सेट नहीं हो सकता है। तो आपकी लाइफ आपके अपने ऊपर निर्भर करती है, अपनी कंडीशंस पे निर्भर करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट सेट करें, उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क सेट करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अप्रिशिएट भी करें कि हाँ मैंने ये चीज़ें की तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप सब इतना सपोर्ट करते हैं तभी मुझे अच्छा लगता है, वरना किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रात को 10 बजे आके क्लास ले और एक एक दो दो बजे तक क्लास ले, फिर घर जाए, फिर सोए कब खाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील होता है यहाँ से जाके कि हाँ आज कुछ ऐसे किया, या फिर यार क्या है यार क्या कर रहे हैं हम, क्या मेहनत कर रहे हैं, सोना उठना कुछ पता नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं भी कुछ पॉजिटिव सोच के सोता हूँ तो वो सब आप सबका रिस्पॉन्स है जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, पैसे सैलरी और जो भी एनवायरनमेंट है वर्क करने का, वो चीज़ें बहुत सेकेंडरी होती हैं। सबसे प्राइमरी रीज़न जो कि आप अगर कोई काम मन से करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आपको रियली में चीज़ें अच्छी लगती हैं और जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं दैट इज़ योर सपोर्ट, आप सभी का सपोर्ट अगर वो है तब हमारे लिए चीज़ें फ्रूटफुल हैं, ठीक है। बाकी सारे रीज़न सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और इतना टाइम देने के लिए, एक्स्ट्रा 5-10 मिनट देने के लिए भी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और किसी भी मोड पे हो, चाहे स्टूडियो में हो, चाहे पेंटैप पे हो, स्टूडियो बहुत जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि अब सारी क्लासेस स्टूडियो पे चलें, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए उसके लिए ऑलरेडी वर्क हो रहा है, तो पेंटैप पे तब तक आप एडजस्ट कर लीजिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच और एकदम आराम से चिल मार के अच्छे से खाओ पियो, मस्त खुश रहो, अपने दोस्तों को खुश रखो, सभी को खुश रखो और गुड नाइट। हाँ एस्टिमेशन करवा देंगे, हाँ अपना ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल उसकी सॉल्यूशन वाली क्लास है, कल सुबह 9 बजे है, मतलब आज सुबह 9 बजे एस्टिमेशन हाँ कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हाँ जी गुड नाइट। प्लस पे टेस्ट सीरीज में टेस्ट इंक्रीज कर देंगे, बिल्कुल अब तो टाइम है अपने पास, तो टेस्ट इंक्रीज करेंगे ऑब्वियसली। आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो टेस्ट सीरीज में अभी टेस्ट जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि टाइम है अपने पास, तो और टेस्ट इंक्रीज कर लेंगे या स्पेशल क्लासेस ले आएंगे, फ्री क्लास लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप UPSC के लिए दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स जो है वो शुरू होने वाला है, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है या सॉइल मैकेनिक्स आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आने वाले मंडे से ये शुरू हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको और यूज कर सकते हैं कोड Sandeep11 जिससे आप सारा एक्सेस मिल जाएगा आपको UPSC कैटेगरी में, और वहाँ पे सारे सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी कंप्लीट हुआ है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका, अभी सॉइल मैकेनिक्स जो एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग शुरू होगा। और SSC के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये तो था किसमें, UPSC में, और अगर SSC में मैं बात करूँ तो SSC के अंदर दोस्तों आपका जो है अभी टेस्ट सीरीज चल रही है और उसका वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं SSC कैटेगरी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।